तो जैसा आप सबको पता है कि भाई हम स्टेट जो फिजिक्स का पेपर हुआ था 2020 में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं मैंने पिछले जो दो वीडियोज़ हैं उनके अंदर में 91 से लेकर 110 तक यानी कि इक्यानवे से लेकर 110 तक के क्वेश्चन वहाँ पर पूरे मैंने विद सॉल्यूशन प्लस में उसकी थ्योरी क्या उस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट था क्या एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को सोच के वहाँ पर सेट किया था वो चीज़ें वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उस डिटेल वीडियो के अंदर में समझाई है जिसने भी नहीं देखे हैं प्लीज़ वहाँ पर जाकर जरूर देखें क्योंकि आपका आने वाला पेपर जो है उसके अंदर में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो और आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर में जो कि हमारे पास में शुरू होंगे वन 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 से यानी कि 111 से मैं शुरुआत करूंगा इसके अंदर में क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है जैसा कि पिछले जो वीडियो हैं उनके अंदर में मैंने बताया था कि क्वेश्चन को देख के कभी भी नहीं घबराना है जब भी आपका पीजीटी जी का एग्जाम के अंदर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ी मिलेगी बहुत सारे लोग क्या होंगे कि इसके स्टेटमेंट देख के वहां पर छोड़ देंगे लेकिन जो थोड़े से पेशेंसली इसके लास्ट स्टेटमेंट तक मतलब लास्ट तक पहुँच जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक ब्लू आपके माइंड के अंदर में सेट हो जाएगा कि क्या मेरे को अप्रोच रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चलिए बात तो तो हमें को को बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि स्टेटमेंट इसकी समझ में 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 नहीं आई थी देखो इसके अंदर अंदर क्या कहा है ऑफ़ 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 द लाइट इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर में एक एक से चलो अब आगे बढ़ते प्रिजन प्रिज्म एंगल इन्होंने दिया थर्टी डिग्री यानी कि प्रिज्म एंगल यहां पर हम इसको डिफाइन करते हैं ए से तो ये एंगल इसने दे दिया थर्टी डिग्री मेरे पास में एंगल है अच्छा और ये इंसिडेंट हुई है कितने पर सिक्सटी डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो हो कहां पर रही है पहले तो मुझे उस सरफेस का एक नॉर्मल पता होना चाहिए क्योंकि जब मैंने डिटेल वीडियोज के लेक्चर्स मैंने दिए हैं जो मेरे कोर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है उसके अंदर मैं आपने देखा हुआ कि नॉर्मल को लेकर मैंने बहुत उसके अंदर में डिस्कशन किया है तो नॉर्मल हमें किस सर्फेस के ऊपर में लाइट कर रही है मान लो इस सरेस के ऊपर में लाइट आ रही है ए बी सफेस के ऊपर में लाइट इंसिडेंट हो रही है तो मुझे इस सरफेस

आई टू के नाम से हम जानते हैं और जो छोटे छोटे एंगल्स यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये एंगल जो बन रहा है इसको हम जानते हैं आर वन के नाम से कितनी रिफ्लेक्ट हुई है और दूसरा ये एंगल इसको हम जानते हैं आर टू के नाम से अच्छा अब एक रे है मेरे पास में उसका जो इंसिडेंट हो रही है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है लेकिन ये डेवेट हो गई है यानी कि अब ये कहाँ पर आ गई है जब ये डेवेट होकर आई है तो ये यहाँ से इसके अंदर में यहां पर आ गए तो रे जो है इसके एक्चुअल पाथ से यानी कि इसने हमें डेविएशन दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसके अंदर में इन्होंने दिया है कि कितना एंगल बनाया था रे एमर्जिंग आउट यानी कि ये रे मेरे पास में एमर्ज हो रही है ये बना रही मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे कौन सी थी ये थी इसको जब हम पीछे की तरफ में एक्सटेंड करेंगे और इस वाले एमर्जेंट रे को पीछे की तरफ में एक्सटेंड करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मेरे पास में कितनी बैंड हो गई है एक्चुअल रास्ता ये था लेकिन वो बैंड होकर नीचे की साइड में आ गई तो आप ये मानो कि आपको डेल दिया गया यानी कि कितना उसके अंदर में डेविशन आ गया दैट विल बी इक्वल टू थर्टी डिग्री मैंने कहा ना कि क्वेश्चन को आप बिल्कुल पेशेंसली प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लेट के रूप में आप आंखों के सामने चलती हुई चलेंगी चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक हमारा डेटा खत्म हो चुका है द एमरजेंट रेज पर पेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट एमर्जिज देखो बड़ी खूबसूरत चीज इसके अंदर में दे दी इन्होंने इन्होंने ये कहा है कि भाई जो मेरे पास में रे यहां से निकली है ना द एमरजेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस जो भी फेस है उसके परपेंडिकुलर बनी है तो ये हमने तो एक जर्नल यहां पर बना दिया था कि एमरजेंट को यहां पर दिखा दिया हमने तो ये अगर परपेंडिकुलर निकल रही है तो कहीं यहीं पर आएगी जो मेरा इसका नॉर्मल रहा होगा नॉर्मल के पाथ के ही रूप में उधर ही निकल गई होगी भाई जब परपेंडिकुलर निकल रहा है कोई फेस है मेरे पास में तो ये 90 डिग्री का उसके साथ में एंगल बना रही है तो यहां पर मेरे पास में 90 डिग्री जो एंगल बनाएगी तो अगर ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है तो कहीं ना कहीं हम बोल दें कि वो नॉर्मली निकल गई उसके साथ में और नॉर्मल निकल गई तो भाई कहां मेरा नॉर्मल और कहां मेरे पास में रिफ्रेक्शन दोनों का एंगल मेरे पास में क्या बन जाएगा यानी कि जो इंसिडेंट रे जो बाहर निकल रही है जिसको मैंने दिया आई टू एंगल दिया वो अपने आप जीरो बन जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर निकली पॉइंट समझो ये यही था इसका टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का कि वो परपेंडिकुलर वहां से निकली है तो परपेंडिकुलर का मतलब ये सर्फेस एसी की बात कर रहा हूं मैं निकलेगी तो यहीं से और यहां से नॉर्मल कैसे निकल सकती है मतलब परपेंडिकुलर कैसे निकल सकती है नीचे तो आ नहीं सकती अंदर भी नहीं जा सकती जाएगी तो बाहर और बाहर जाने का रास्ता यही है कि वो नॉर्मल के अलोंग में चला जाए नॉर्मल के अलॉन्ग चला गया तो उसका आई टू कितना हो गया जीरो हो गया यानी कि जो हम मान के चल रहे थे कि नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बना रही है वो मेरे पास में जीरो हो गया। और अगर ये जीरो हो गया तो ये अंदर वाला एंगल कि जो माना था ये भी अपने आप में क्या हो गया जीरो हो गया अच्छा अब एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ में जब मैंने आप लोगों को प्रिज्म के बारे में पढ़ाया वहां पर तो आपने देखा था कि R1 वन प्लस में R2 जो इंटरनल एंगल होते हैं ना ये मेरे पास में R1 और ये दूसरा जो R2 होता है एंगल इन दोनों का सम मेरे पास में होता है प्रिज्म एंगल के बराबर प्रिज्म एंगल कितना होता है मेरे पास में ए होता है अब देखो यहां पर आर मेरे पास में कितना आ गया मुझे नहीं पता इसके बारे में लेकिन आर के बारे में मुझे पता है आर के बारे में मुझे कैसे पता चला क्योंकि मैंने देखा कि रे जो थी वो परपेंडिकुलर निकल रही है सो दिस एंगल इज जीरो और ए एंगल मेरे पास में गेवन है थर्टी डिग्री तो आपको यहां से एक आइडिया लग किया कि जो हमारे पास में r1 एंगल है यानी कि ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री मेरे पास में आ गया अच्छा अब ये मेरे पास में 30 डिग्री आ गया लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया था refractive index ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म अब फिर यहां पर हमारे साथ में पेज फस गया कि भाई मैं कैसे इसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालू तो याद करो मैंने आप लोगों को स्नैल स्लो पढ़ाया था देखो सारे टॉपिक्स ना एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं आप ये सोचो कि मैं एक ही टॉपिक के अंदर मैं मारथ ही बन जाऊँ नहीं बन सकते आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है और यही चीजें मैंने अपने जो पूरा कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसके अंदर में बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है उसके अंदर में ये नहीं कि सीधा शॉर्टकट बता दिया नहीं शॉर्टकट बताएंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे इसके अंदर में जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में स्टेटमेंट ही नहीं समझ पा रहे थे आप लोग जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पिछली बार छोड़ा होगा अच्छा अब इस 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 फेस के ऊपर में यानी कि ए बी फेस के ऊपर में मैं लगा देता हूं स्नेल स्लो अब स्नेल स्लो कैसे लगेगा मान लेते हैं म्यू एयर बाहर है यानी कि जो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का उसको मैंने म्यू एयर मान लिया और ये एंगल इंसिडेंट हो गया तो क्या कहता है स्नेल स्लो कि जो भी मेरे पास में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू एयर हो गया और जितने एंगल पर इंसिडेंट हो यानी कि साइन आई मेरे पास में आ गया दैट विल बी इक्वल टू जो मेरे पास में अंदर वाला है यानी कि ये मेरे पास में मीडियम है आप बोल दो जो मीडियम यानी ग्लास है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और कितने पर ये इसके अंदर में रिफ्रेक्ट हुआ है तो यहां पर मेरे पास में साइन आर आ गया म्यू अच्छा, एर का मेरे पास में कितना होता One होता है है साइन आई की वैल्यू मेरे पास में कितनी गिवन है डिग्री गिवन म्यू एम मेरे पास में क्या है ये मेरे को निकालना है और साइन आर अभी आप लोगों ने निकाला कितना है मेरे पास में आर वन की वैल्यू कितनी आई थी थर्टी डिग्री सो दिस इज साइन थर्टी डिग्री जब इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे साइन म्यू एम निकालना है मेरे को तो साइन सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई साइन थर्टी डिग्री तो साइन सिक्स की वैल्यू कितनी होती है भाई रूट थ्री बाई टू और साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू, तो उसे टू कैंसिल तो आपका आंसर आना चाहिए रूट थ्री देखो भाई ऑप्शन के अंदर में कहीं मिल रहा है आपको ऑप्शन बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ यही है यानी कि जो कंसेप्ट था वो सारे पढ़े हुए थे लेकिन इसने बस एक छोटी सी ये जो चेंज डाल दिया था ना इस वजह से आप लोग घबरा गए थे तो इसलिए कहता हूं क्वेश्चन को बड़े ही पेशेंसली पढ़ना चाहिए आप लोगों को तभी आप इसकी अप्रोच अच्छे से कर पाओगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है भैया और आ, मैं कहता हूं कि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है फॉर्मूला बेस्ड क्यों है देखना कितना इजी क्वेश्चन मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम के अंदर में प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी आप लोग कंसेप्ट को अच्छे पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छे से कहीं से मटेरियल आप लोगों ने रेडी किया जैसा कि मैंने अपने कोर्सेज के अंदर में भी सारा कुछ इसको डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है और शॉर्टकट भी वहां पर मैंने आप लोग को बताए हुए चलो आगे पढ़ते हैं इसके अंदर में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाई टू डिफरेंट प्रोसेस यानी कोई भी मेरे पास में एक न्यूक्लियस है जो कि दो रेडियो रेडियो एक्टिव प्रोसेस उसके अंदर में हो रही है एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस इधर उसको रेडियो एक्टिव का आ, मतलब समझते हैं ना आप कि जो इसके अंदर में डिके जब वहां पर हो रहा है तो रेडिएशन के थ्रू यानी कि रेडियो एक्टिव जो हमारे पास में न्यूक्लियस का डिके होता है उससे रिलेटेड यहां पर बात कर रहे हैं तो दो प्रोसेस इसने बोल ली है कि एक पी प्रोसेस है और दूसरी मेरे पास में पी प्रोसेस है द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज टाव वन यानी कि जो इसने पहली प्रोसेस दी है उसका बोला है कि लाइफ टाइम यानी कि जो मेरे पास में हाफ लाइफ टाइम है जिससे हम पढ़ते हैं टाउ वन इसके अंदर में दिया गया है एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस इज टाउ टू यानी कि दूसरी जो प्रोसेस हो रही है उसका टाउटू मेरे पास में दिया गया द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस विल be। अब ये कह रहा है कि दो प्रोसेस तो हो रही है भाई ठीक है ये इंडिविजुअली अपने आप में काम कर रही होंगी लेकिन वो कर क्या रही है वो बेसिकली उस न्यूक्लियस को डिके तो करवा रही है तो बोल रहा है कि इसका इफेक्टिव डिके कितना होगा तो इफेक्टिव डिके निकालना कौन सा भाई इसके अंदर में बहुत हार्ड है बिल्कुल आसान है यार इसके अंदर में न्यूक्लियस का डिके का हम एक फॉर्मुला पता है कि जो मेरे पास में होता है कि जब हमारे पास में न्यूक्लियस डिके हो रहा है टाइम के साथ में तो डी एन डिवाइड बाई डी और यहां पर मेरे पास में आता है माइनस लेमडा और यहाँ पर मेरे पास में एन आ गया ये हमारे पास में फॉर्मूला था हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और जो रेडियो एक्टिव हमारे पास में हाफ लाइफ के लिए हम यूज करते हैं तो लेमडा की जो वैल्यू आती है हमारे पास में इसका हम देते हैं जब हम उसको हाफ uh, लाइफ के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं तो लोग नेचुरल टू डिवाइडेड बाई टाउ ये मेरे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज करते हैं जो हमारे पास में रेडियो एक्टिव डिके होता है तो मेरे पास में न्यूक्लियस का जो डिके हो रहा है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डिके हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू माइनस लेमडा एन और इस लेमडा की वैल्यू मेरे पास में लोग नेचुरल टू डिवाइड बाई टाओ होती है लेकिन मुझे निकालना क्या क्योंकि यहाँ पर हम हाफ लाइफ से काम कर रहे थे तो मुझे अपने फॉर्मूला के अंदर में टाओ को लाना जरूरी था अच्छा अब क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेस हो रही हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई जो मेरे पास में टोटल इस न्यूक्लियस का मान लेते हैं ये मेरे पास में न्यूक्लियस है एन एन इसके अंदर में एटम्स हैं तो इनका डिके हो रहा है टाइम के साथ में तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं

ये मेरे पास में आ गया अच्छा अब लेमडा वन प्लस में लेबडा टू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हम थोड़ा सा इसको और ओपन करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर में पहुंचेंगे हम अपने रिजल्ट की तरफ में देखो इसके अंदर क्या करेंगे कि लेम्डा वन है मेरे पास में लेमडा का बेसिक फॉर्मुला ये मेरे पास में तो ये टोटल मैं बोल दू कि लेमडा मेरे पास में इफेक्टिव आ जाएगा अगर मैं इस लैमडा वन प्लस में लेमडा टू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा तो लैमडा वन को मैं क्या ले सकता हूँ लेमडा वन कैन बी रिटर्न एज लॉग नेचुरल टू डिवाइडेड बाई टावन क्योंकि पहली प्रोसेस के लिए उसका टाव वन दिया गया था और लैमडा टू को मैं क्या ले सकता हूं लोग नेचुरल टू डिवाइडेड बाई टाउ टू अच्छा अब मेरे को निकालना क्या है लेबड़ा इफेक्टिव निकालना है ना यानी उसका जो हाफ लाइफ टाइम है उसको मुझे उसका हाफ लाइफ टाइम का इफेक्टिव रिजल्ट मेरे को निकालना है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं इसको कि लेमडा इफेक्टिव जो है दैट विल बी इक्वल टू लेमडा वन प्लस में लेमडा टू और लेमडा इफेक्टिव को भी मैं क्या ले सकता हूं लोग नेचुरल टू डिवाइडेड बाई टाओ इफेक्टिव दोनों का इफेक्टिव और इसको मैं क्या लिख सकता हूं लोग नेचुरल टाव वन और इसको क्या लिख सकते हैं log natural 2 divided by tau 2 आ गया मेरे पास में अच्छा अब इसके बाद में कहानी क्या चलेगी हमारे पास में बिल्कुल सिंपल सा बन गया अब लोग नेचुरल है वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से हम इसको कैंसिल कर देते हैं लोग नेचुरल लोग नेचुरल तो ये मेरे पास में जाना टी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू वन बाई टाव वन प्लस में वन बाई टाव टू लेकिन ये तो वन बाई इफेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है ना तो मुझे क्या चाहिए ऊपर चाहिए तो कर लेंगे इसको एलसीएम लोगे तो आपके पास में आ जाएगा टाओ इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू टाउ वन टाउ टू डिवाइडेड बाई टाउ वन प्लस टाउ टू ये हमारे पास में इसका इफेक्टिव रिजल्ट आ जाएगा अब ढूंढते हैं हमारे ऑप्शन के अंदर में कि क्या ऐसा था मेरे पास में कुछ बिल्कुल मेरे पास में मिल गया है इसका रिजल्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे अपने क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है अगर मैं क्वेश्चन की अप्रोच बहुत अच्छे से सीख जाऊंगा ना तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर में आप क्रैक नहीं कर पाओगे बस अपने क्वेश्चन के अप्रोच समझो क्वेश्चन के अंदर में क्या स्टेटमेंट के अंदर में दिया गया स्टेटमेंट को पढ़ते चलो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट होता है हाँ मुझे पता है आप लोगों को हसी आ रही होगी इस चीज को लेकर क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं ना फिजिक्स को वो सिर्फ पेपर पास करने के लिए करते हैं कि हाँ मैं जो पेपर पास हो जाए मेरी नौकरी लग जाए बस वैसे हो जाए मेरे सेमेस्टर क्लियर हो जाए नहीं भाई जब भी फिजिक्स को पढ़ना है ना तो दिल से पढ़ो यार एक एक चीज को जब जोड़ते हुए चलोगे ना तो बड़ा मजा आता है इस फिजिक्स को पढ़ने के अंदर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मेरे पास में वन वन थ्री बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको हम समझेंगे एक छोटा सा फॉर्मूला इसके अंदर में यूज किया गया हालांकि कैलकुलेशन इसके अंदर में बहुत बड़ी थी जो क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर वन जब हमने इसके अंदर में देखा टू एमिशन लाइन है वेवलेंथ लेमडा एंड लेमडा प्लस में डेल लेमडा यानी कि जो मेरे पास में दो एमिशन लाइंस है आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास में स्पेक्ट्रा बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंस बनती है जब स्पेक्ट्रा आप पढ़ते हैं अलग अलग तरह के हमारे पास में स्पेक्ट्रा बनते हैं तो इसने कहा कि ये मेरे पास में कोई दो तरह की इसने वेवलेंस यहां पर कंसिडर कर लिए दो एमिशन लाइन्स इसने कंसिडर कर ली किसी भी पर्टिकुलर मोलिक्यूल की आइटम की तो ये इसकी वेवलेंथ मेरे पास में लेमडा है और दूसरे की इसने बोल दिया कि इसमें थोड़ा सा एड करके डेल लेमडा मेरे पास में आ गया यानी कि दो थोड़ी सी अलग डेल लेमडा का उसके अंदर में चेंज आ गया तो दो वेवलेंथ यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वेर डेल ले इज मच मच लेस देन लेमडा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई वो तो बहुत छोटी होने वाली है देर एंगुलर सेपरेशन इज

द लाइनस आर ऑब्जेक्ट ये इस ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर में डी जो है वो हमने सेपरेशन को यूज किया है, जो स्लेट्स के बीच में सेपरेशन है और एम हमने उसके ऑर्डर को यूज किया है. तो कोई दिक्कत नहीं है हमें फार्मूला बिल्कुल पता है ग्रेटिंग्स का कैसे हम यूज करते हैं तो चलो उस ग्रेटिंग वाले फॉर्मूले से हम इसका यूज करते हैं ये फार्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार इसको आप रट लो क्योंकि ये आपके हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है किसी भी आप कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर में जाते हैं ना तो ग्रेटिंग से रिलेटेड आप लोगों को इक्वेशन मिलता ही मिलता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर में तो हमें पता है कि भाई जब भी हमें ग्रेटिंग का यूज कर रहे होते हैं जो हमारे पास में ग्रेटिंग है जिसका यूज करके हम अपने स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं तो उसके अंदर में फॉर्मूला ये होता है डी साइन थीटा दैट विल भी इक्वल टू एम लेमडा अब डी क्या होता है मेरे पास में अभी आप लोगों को बताया कि इनके बीच में सेपरेशन कितनी है दो ग्रेटिंग्स के अंदर में ग्रेटिंग्स यानी कि जालीदार जो बनी होती है हमारे पास में उन जालियों के बीच के कितना गैप है और एम मेरे पास में कौन सा ऑर्डर का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं तो ये दो चीजें और लैमडा कितनी वेवलेंथ का मेरे पास में चल रहा है तो दो चीजें हम यहाँ पर समझ गए हैं। अच्छा। कि ये मेरे पास में सिलिट हो गई है और ये मेरे पास में एम जो है वो ऑर्डर हो गया अच्छा अब देखो दूसरा ये तो पहली होगी मेरे पास में जो पहली ग्रेटिंग थी जिसके लिए लैमडा मेरे पास में वेवलेंथ आ रही थी जो पहली वेवलेंथ आई थी उसके लिए मैं ये यूज कर लूँ पहली इक्वेशन होगी मेरे पास में दूसरी इक्वेशन के लिए क्या यूज करूँ दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम ये यूज कर सकते हैं कि डी तो उसकी ग्रेटिंग जो है वो तो मेरे पास में सेम रहेगी उसकी विट तो मेरे पास में सेम रहेगी लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा है उसको क्या करूंगा मैं क्योंकि उसके अंदर में ग्रेटिंग का थोड़ा स्पेस ही रहने एंगुलर का चेंज आएगा तो भाई थीटा भी तो चेंज आएगा तो थीटा प्लस में डेल थीटा में उसका कर दूं बिल्कुल सही एम लेम्बड़ा जो था वो भी तो चेंज हो गया भाई अगला जब पहुंचेगा ये ये मैंने जब आप लोगों को ग्रेटिंग पढ़ाई भी है अपने लेक्चर्स के अंदर में वहां पर आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा भी होगा तो एम और ये लेमडा प्लस में अब कितनी लेम्बड़ा हो गई भाई ये अगले वाले की बात कर रहा हूँ मान लो ये पहले वाले की बात कर रहा था लाइन की जो लेम्बा थी और दूसरी जो लेमडा प्लस में डेल पर है तो उसकी भी तो कहानी लिखेंगे ना कि उसका मेरे पास में ऑर्डर क्या है उसकी वेवलेंथ क्या है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो ये मेरे पास में आगे डेल

और ये दूसरा इसके अंदर में जब हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला तो अच्छा, तो के अंदर में क्या चलेगा कि कोस थीटा तो ये कोस थीटा आ गया और दूसरा क्या बनता है इसके अंदर में साइन डेल थीटा यह आ गया अच्छा अब दूसरी साइड में क्या मेरे पास में इसको मैं लिख दू एम लेमडा प्लस में एम डेल लेमडा छोटा जो मेरे पास में एम डेल लेमडा आ गया अच्छा अब थोड़ा सा आप आ, इसके अंदर में जाओ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ के ऊपर में जाते हैं तो हमें पता है कि कोर्स डेल थीटा ना बहुत छोटा होता है क्योंकि डेल थीटा इन्होंने लिखा है कि बहुत छोटा है हमारे पास में और ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान सकते हैं वन मान सकते हैं और दूसरे अप्रोक्सीमेशन के अंदर में जाते हैं ये आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी आप लोगों को साइन के अंदर में एंगल्स मिलते हैं तो हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो बड़ी ईजी हो जाती है इसे तो साइन मेरे पास में लेमडा ये मेरे साइन डेल तो तो थीटा, तो थीटा ब्रैकेट को ओपन करूंगा थीटा, प्लस में, कोस थीटा और दूसरा बन गया डेल थीटा क्यों डेल थीटा क्यों बना क्योंकि यहां पर जो डेल थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम उसको डायरेक्टली साइन डेल थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम उसको डायरेक्टली डेल थीटा के रूप में लिख सकते हैं अच्छा अब ये मेरे पास में आ गया एम ले डेल आ गया देखो फ्लो में चलना है अपने क्वेश्चन के जो हमारे पूछा जा रहा है उसी के फ्लो के अंदर में चलते चलो आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा अभी अच्छा अब देखो इसके अंदर में आगे क्या कर सकते हैं हम हमारे पास में डेल थीटा क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है क्यों इक्वल है अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी कहानी को भी समझा था कि ये देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास में डी साइन थीटा एम थीटा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं तो मेरे पास में वैल्यू क्या बचेगी अब अब यहां पर जो वैल्यू बचने वाली है दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा डेल थीटा दैट कैन बी इक्वल टू एम डेल लेमडा और डेल थीटा की वैल्यू यहां पर मैं क्या निकाल सकता हूँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मैंने कहा था शुरू में कि हमें एक डिसीजन भी लेना पड़ता है अपने क्वेश्चन को देख के कि कौन सा मेरे को छोड़ना है और कौन सा मेरे को करना है लेकिन यहां पर मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं अपने फ्लो के अंदर में पूरे क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा तो और ये कहीं कुछ रह गया भाई इसके अंदर में डी रह गया तो डी ये नीचे आ जाएगा डी कोस थीटा मेरे पास में आ जाएगा अच्छा अब थोड़ा सा क्योंकि हमारे ऑप्शन जो है वो उसके अंदर में पूछा किया गया है एम और डी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा मेरे को तो एम और डी की फॉर्म में मेरे को लिखना पड़ेगा तो भाई यहाँ पर तो ये थीटा को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा कोसथ थीटा को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इनकी फॉर्म के अंदर में बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिलेशन डी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम लेमडा ये मेरे पास में आ रहा था तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा कैन बी रिटन एज एम लेमडा बाई डी लिख सकता हूँ मैं अच्छा तो थीटा को मैं क्या ले सकता हूं थीट स्क्सर की डी स्क्र हो गया अच्छा अब यहां पर क्या करूंगा डेल थीटा में इसके वैल्यू को पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा चलो इसको पुट करते हैं जब डेल थीटा के अंदर में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो डेल थीटा दैट कैन बी रिटर्न एज एम डेल लेमडा और डी d डी थीटा की वैल्यू को क्या लिख दो वन माइनस में एम स्क्वेयर लेमडा स्क्वेर डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर ये इसका क्या आ गया रूट आ गया अच्छा इसके अंदर में आप कॉमन लोगे कॉमन लेने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा आ, वो मैं लिख देता हूं आप लोगों को तो यहां से आप कॉमन लिखो लोगे तो ये बचेगा m डेल लेमडा ऊपर बच गया d मेरे पास में ये अंदर है एम स्क्वेयर को बाहर निकाल लेता हूं तो ये मेरे पास में एम आ गया डी स्क्वेयर को बाहर निकालता हूं तो डी आ गया तो अंदर बचेगा क्या स्क्वेयर के अंदर में आप लोगों को अच्छे से इसकी कैलकुलेशन आती होंगी तो ये बच जाएगा मेरे पास में डी स्क्र एम स्क्वेयर क्योंकि डी को हमने ऊपर से निकाल लिया है नीचे से निकाला है तो ऊपर आ जाएगा और एम को हमने नीचे ऊपर से निकाला है तो मेरे पास में इस कैलकुलेशन के अंदर में जब हम बाहर निकालेंगे तो ये मेरे पास में एम स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास में क्या बचेगा लेमडा स्क्वेयर और इसकी और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो फर्दर कैलकुलेशन करने के मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन भाई लेन दी जाएगा इसीलिए तो कहा कि आपको राइट right डिसीजन कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है वो डिपेंड करेगा तो एम से एम कैंसिल डी से डी कैंसिल तो बचा क्या मेरे पास में बचा मेरे पास में डेल डिवाइडेड डी एम बचाइड माइनस में लेमडा स्क्वेयर और ये आ गया इसका रूट ठीक है तो यहां से मेरे पास में अब ऑप्शन देखो इसके अंदर में ऑप्शन है क्या कोई ऐसा जिसके अंदर में ये मेरे पास में रहा हो तो चलो ऊपर ऑप्शन की तरफ में चलते हैं भाई बहुत लंबा चला गया क्वेश्चन नीचे तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे अपने क्वेश्चन इसका आंसर नंबर फर्स्ट के अंदर में देखो भाई फर्स्ट के अंदर में मिल रहा है मेरे पास में लेमडा डेल लेम्बडा नीचे डी एम स्क्वेयर बिल्कुल वही मिल रहा है मेरे को डी स्क्र एम स्क्वेयर माइनस में लेमड़ा स्क्वेयर तो मेरे पास में आंसर कौन सा है भाई इसका आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो ये मेरे पास में राइट right आंसर हो जाएगा यही कहा था मैंने आपको कि भाई अच्छे से इन क्वेश्चन को समझो अच्छे से इनकी डिटेल जो है क्या मेरे को छोड़ना है क्या मेरे को करना है लेकिन करना आप लोगों को सब कुछ है क्यों क्योंकि जब तक आप लोग को ये अप्रोच नहीं पता होती तो कैसे आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे तो ये अप्रोच रखना अपने क्वेश्चंस को लेके बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा इजी क्वेश्चन इसके अंदर में दे दिया बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया गया ये टेंथ क्लास के अंदर में क्वेश्चन आता है एम की बुक है उसके अंदर में डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से उठाया गया चलो पढ़ते हैं क्या हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है। जो आप लोग पढ़ा भी रहे होंगे तो आप लोग को पता भी होगा इसके अंदर में इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई आप स्क्रीन ले लेना पीछे से जाके कैसे हमने कैलकुलेशन करी है क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचेगा मैं क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा आप लोगों के लिए चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके अंदर में तो क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है इसके अंदर में कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन कोई दिक्कत नहीं हम एक स्क्रीन बनानी है हमने एक स्क्रीन बना ली और कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है इस इस स्क्रीन से कितनी दूरी पर है ये सेवेंटी फाइव मीटर की दूरी पर है तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया ये डिस्टेंस मान लिया हमने सेवनटी फाइव मीटर है चलो जी अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस अरे वाह

रियल इमेज तब बनेगी जब भाई जो मेरे पास में अगर मैं इस लेंस को कहीं पर भी रखता हूं कहीं पर भी मैं प्लेस करता हूं तो जहां से जो भी रेज मेरे पास में निकलेंगी टू और मोर रेज जब यहां से निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर भी मीट करेंगी ध्यान से सुनना दो पॉइंट्स मैंने बोले हैं कि जब भी कोई दो रे दो या दो से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रेज किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी तो वहां पर इमेज डेवलप होती है अब इमेज डेवलप होगी तो मुझे क्या चाहिए रियल इमेज चाहिए रियल इमेज चाहिए तो भाई मुझे स्क्रीन के ऊपर में वो इमेज लानी पड़ेगी ये तो होता हमारे पास में कि हम किसी इमेज को अगर स्क्रीन के ऊपर में ले पा रहे हैं तो मेरे पास में रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा और वर्चुअल इमेज दूसरी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर में हम एक्सटेंड करके उसको वर्चुअली देखते हैं कि हाँ वहां पर कोई चीज ऐसी हमें प्रतीत होती है लेकिन रियल के अंदर में हमें पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल उसकी फॉर्मेशन वहां पर हो रही है तो ये चीजें मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स के अंदर में अच्छे से समझाई हुई है वहां पर तो यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई भी दो रेज मेरे पास में आ रही है कोई भी दो रेज आ रही है लेटेस्ट पोज और ये आफ्टर बैंड किसी एक पॉइंट पर दो पॉइंट हमने मान लिया ऐसे लेटेस्ट पोज मैंने माने है ये कि किसी एक पॉइंट पर जाकर ये मीट कर रहे हैं जो हमारे पास में इसका लेके चलते हैं पूरी जो प्रिंसिपल एक्सेज सारी कहानी उसके अंदर में तो उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊँगा सिर्फ हम फॉर्मुला बेस्ड इसके ऊपर में पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था बस थोड़ा सा इसके अंदर में ट्रिकी दिया गया था कि स्क्रीन के ऊपर में लेनी है तो हम ये मान लेते हैं कि ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स डिस्टेंस पर रखी हुई है कहां से लेंस से हमने लेंस को रखा किसी भी पॉइंट पर रख दिया हमें नहीं पता कितनी दूरी पर है ये लेकिन हम निकाल लेंगे इसको कि कहां पर मेरे पास में इमेज बनने वाली है और कैसे इसका मेरे को पोजीशन करना पड़ेगा ठीक है तो ये दूरी कितनी होगी भाई स्क्रीन और इसके बीच में यानी कि जहां पर इमेज बनेगी तो हमें पता लगा कि ये सेवेंटी फाइव माइनस एक्स दूरी पर मेरे पास में इमेज बनानी है जहां पर मैं लेंस को रखूंगा अच्छा अब इसकी कहानी देखो कि हमें ये भी जानकारी है कि जो मेरे पास में इमेज के जो फॉर्मूला है जब भी हम लेंस का लेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो लेंस के लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है वन बाई एफ दैट इज इक्वल टू वन बाई वी u. और इस फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यूज में को कैसे पुट करना होता है विद साइन कन्वेंशन रखना होता है तो साइन कन्वेंशन के अंदर में हमने समझा था कि जो रेज आ रही है अगर उसी डायरेक्शन में मेरे को कैलकुलेशन लेनी है तो पॉजिटिव होंगी अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो हमारे पास में नेगेटिव होती है अब मुझे पोल से जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है वहां से मुझे कैलकुलेशन करनी है यानी कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की तो इसके लिए मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा रे कैसे आ रही है रे इस डायरेक्शन में आ रही है मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना यानी कि मेरे पास में यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी तो यू दैट कैन बी रिटर्न एज माइनस एक्स क्यों लिखा माइनस एक्स क्योंकि एक्स डिस्टेंस हमने मानी है अच्छा दूसरी चीज मेरे को फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ यहां पर कितनी दी गई है आप लोगों को यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन uh, के अंदर में दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है तो 12 सेंटीमीटर में डायरेक्टली इसका यूज कर लू क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की इस साइड में आएगी रेज की डायरेक्शन भी इसी साइड में और हम अपनी कैलकुलेशन ऑप्टिकल सेंटर से भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो मेरे पास में वी की वैल्यू सॉरी फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी यानी कि प्लस मेरे को क्वेश्चन के अंदर में गिवन है अच्छा फाइनल जो मेरे पास में इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस कहां पर होगी मेरे पास में तो उसकी डिस्टेंस आप लोगों को यहां पर होगी कि जो इमेज बनेगी वो भी मेरी इसी डायरेक्शन बनेगी यानी कि राइट हैंड साइड में बनेगी तो 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 ऑप्टिकल सेंटर से मैं भी तो भी इसी इसी साइड में में और जो जो आ रही होंगी, वो भी इसी में आ रही रही आफ्टर वो तो डायरेक्शन मेरे पास डिस्टेंस आएगी पुट कर देता हूं एक्स माइनस यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस एक्स क्यों आए माइनस एक्स मैंने आप लोगों को समझा इसके बारे में कि हमें कैसे कैलकुलेशंस विद साइन कन्वेंशन इन फॉर्मूलाज के अंदर में रखनी है तो फाइनल इक्वेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्सक्वेयर माइनस सेवेंटी फाइव एक्स प्लस में नाइन हंड्रेड ये आप लोगों की इक्वेशन बनेगी आप इसको सोल्व करना और जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में दो एक्स की वैल्यू मिलेंगी एक फिफ्टीन बनेगी और एक एक्स की वैल्यू सिक्सटी बनेगी तो इसको सोल्व कर लेना भाई मैं ज्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट नहीं करूंगा तो ये आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास में आंसर कौन सा बन रहा है फिफ्टीन और सिक्सटी वाला आई द रेट फिफ्टी सेंटीमीटर और सिक्सटी सेंटीमीटर तो ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर में थियोटिकल क्वेश्चन दिया गया है जो कहते हैं ना कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है कि कौन सा मेरे पास में करेक्ट है द नॉर्मल फोर्स इज द समथिंग एज द वेट देखो नॉर्मल फोर्स क्या होती है मेरे पास में अगर ये वेट यहाँ पर लग रहा है दैट इज एम ये तो इसका वेट हो गया और इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास में क्या रखी होती है नॉर्मल फोर्स लग रही हो रही है तो कह रहा है कि ये दोनों क्या मेरे पास में वेट के वेट ही है दोनों नहीं भाई वेट कैसे हो गया यार

सॉरी इसका जो वेट है वो हमेशा कहाँ लगेगा टुआर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ये मेरे पास में लग गया अब इसका जो नॉर्मल बनेगा इस पर्टिकुलर सरफेस का तो नॉर्मल यहाँ पर गया और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट है एम का वो आएगा दैट इज एम जी कोस्थीटा तो कहाँ पर ये मेरे पास में एन हो गया अब बताओ ये मेरे पास में एन को बैलेंस कर रहा है तो दैट इज एम जी को ये आ गया, गया। तो ये थीटा और ये वेट जो है मेरे पास में एम जी क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है नहीं है तो सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास में गलत हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर में मेरे से पूछा गया है कि द नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट टू फॉर्म ए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं भाई कभी ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन सकते नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट द टू में हैव द सेम मैग्निट्यूड इन सर्टन केसेज बिल्कुल अब हम सहमत हो सकते हैं आपसे भाई आपने पहले के अंदर में तो बोल दिया कि भाई दोनों एक जैसे ही हैं, नहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास में फोर्स इज डिफरेंट डिफरेंट है बिल्कुल डिफरेंट है भाई आप अपनी जबरदस्ती इसको नहीं बोल सकते कि ये मेरे पास में सेम है ठीक है हाँ कुछ कसेज के अंदर में इन्होंने आगे लिखा कि सेम मैग्नीट्यूड इन द सर्टेन केसेज हाँ ये बोल दो भाई हम हम, हम आपके साथ में सहमत है तो हमारे पास में ऑप्शन इसका कौन सा आ गया फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आया कि क्या हमें अप्रोच अपने क्वेश्चन की रखनी पड़ेगी चलो अगले क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं किसी आई या जेई वाले बच्चों को तो उनको ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हम इसके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर में सोचने का दायरा खोलना पड़ेगा थोड़ी सी समझ इसके अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी बेसिक देखो आ, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि आप लोग करते क्या हैं

हो सकता है किसी नेट के पेपर से उठा रहा हो जो मेडिकल के लिए होता है हो सकता है किसी अदर एग्जाम्स के अंदर से उठा रहा हो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एनसीआरटी को करके आप कंप्लीटली अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे नहीं हो पाता भाई क्योंकि उसके अंदर में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आप किसी आपको अपने सोचने का दायरा और अपने क्वेश्चंस का दायरा बढ़ाना है ना तो आपको किसी ना किसी कंपिटेटिव बुक को फॉलो करना पड़ेगा मैं अपने कोर्सिस के अंदर में यही बार बार चीजें बोलता हूं कि हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो बुक्स का नाम भी वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अगर फिर भी आप लोग को जरूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो अभी हम इसके अंदर में रिस्क नहीं ले सकते अभी आप लोगों को सिर्फ इतना जितना आप लोगों को यहाँ पर करवाया जा रहा है उतना भी कर लो तो मोर देन सफिशियंट आप लोगों के लिए चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेके इस क्वेश्चन के अंदर में स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है स्टेटमेंट समझ आ गया तो समझ लो क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गया ये टोटली प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वो दो तीन चीजों को लेकर इसके अंदर में हमें कवर करने पड़ते हैं कहां बगा है भाई क्वेश्चन हमारा पीछे आओ भाई पीछे आओ 116 ये आ गया क्वेश्चन ठीक है अब इसके अंदर में क्या कहा है गनमैन रिमोटली कंट्रोल बैलून इन एनिमी टेरिटरी कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ घुमाने फिराने के लिए आप लोगों को दी गई है कि एक एक गनमैन है है उसको रिमोट कंट्रोल जो गुब्बारा वो दिखता है फर्स्ट नोटिस द बैलून इज एट एल्टीट्यूड ऑफ एट हंड्रेड मीटर यानी कि जब उसने देखा तो वो आठ सौ मीटर ऊपर था जब यहां पर वो खड़ा है मान लो ये इंडियन आर्मी है और ये पाकिस्तान आर्मी है तो इन्होंने कोई एक रिमोट कंट्रोल बैलून जो है उसको ऊपर की तरफ में छोड़ दिया जो कि 800 मीटर पर इनको दिखता है किनको इंडियन आर्मी को दिखता है एंड मूविंग अपवर्ड एट ए कॉन्स्टेंट 5 मीटर पर सेकंड और ये ऊपर की तरफ में जा रहा है कितनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना ये जो वैल्यूज दी गई है ना कोई भी क्वेश्चन के अंदर में दी जाती है तो उनका अपना इंपॉर्टेंस होता है एंड सिक्स मीटर अवे और ये 1600 मीटर दूर है यानी कि बॉर्डर है और बॉर्डर से 1600 मीटर दूरी पर है ये दोनों द गनमैन वेट्स एंड फायर द सेल विद इनिशियल स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ये मेरे पास में एंगल दे दिया कि इतने एंगल पर उसको यहां से फायर किया गया सो डिस्ट्रॉय द बैलून ताकि वो इस बैलून को डिस्ट्रॉय कर दे हो सकता है कि वो मेरे पास में एक ड्रोन छोड़ रहा हूँ बैलून का बैलून की जगह पे ड्रोन डाल दे क्योंकि इंडियन आर्मी को तो ये ड्रोन क्या है भाई उड़ाना है यहाँ से तो खत्म करना है इसको तो अब क्या करें ये कि इसको ये 800 मीटर पर दिखता है लेकिन उसको अपनी जो वेलोसिटी जिस से जिससे अपने को गन गन से फायर करना है तो उसकी स्पीड उसको पता है कि मेरी 400 मीटर पर सेकेंड है तो मुझे इसका वेट करना चाहिए कि कब तक ये ऊपर आ जाए तो इसके अंदर में यही पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग डिड द गनमैन वेट बिफोर ही फायर क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो आपका ये ये क्वेश्चन जो इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज है आराम से इसके निकाल पाओगे क्वेश्चन समझो कि ये बैलून जो है यहां पर पाकिस्तान आर्मी ने ऊपर की तरफ में छोड़ा यहां पर हमारी इंडियन आर्मी है इंडियन आर्मी को ये दिखता है जब ये ऊपर आठ मीटर आ जाता है ठीक अब इंडियन आर्मी को यह बताया कि उसके पास में जो हथियार है ना उसकी जो स्पीड है वो फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड से अपने बुलेट को फायर कर सकते हैं ठीक भाई अब ये एट हंड्रेड मीटर तक तो आ चुका है लेकिन ये कॉन्स्टेंटली ऊपर तक मूव कर रहा है जहां तक तो इंडियन आर्मी को दिखा है ना उसके बाद में वेट करेगा वो कितनी देर के कितनी देर वेट करनी है वो मुझे निकालना है कि मैं इस बैलून को हिट कर दूं जबकि ये फाइव मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ में मूव भी कर रहा है चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब इसको देखो कि मान लो मेरे पास में इंडियन आर्मी जो है उसको गन को फायर करना है तो यहां पर जब भी फायर करेगा तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पर हमारे पास में एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन एक्जिस्टेंस में आएगा तो ये मेरे पास में वेलोस्टी होगी किसी एंगल पर जा रही है तो ये एंगल मेरे पास में दो कंपोनेंट बनाएगा यानी कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे एक बनेगा यू एक्स और एक बनेगा मेरे पास में यूवाई दो कंपोनेंट्स यहां पर बन गए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट और आप लोगों को अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में पढ़ाया गया है कि जो भी हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसकी जो ऑरिजोनटल स्पीड होती है या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसको ट्रेवल करवाने के काम आती है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज को ट्रेवल करवाने के काम आती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके रेंज की तरफ में बढ़ते हैं तो रेंज इसने दिया है कि भाई दोनों के बीच में दूरी जो है ना वो कितनी मेंटेन है वो 1600 मीटर मेरे पास में मेंटेन है तो अगर मेरे को यह पता लग जाए कि मेरी बुलेट जो है जो कि मैं फायर करूंगा यानी कि फायर करेगा तो फायर करके मान लो कुछ इस तरह का यह अपना पाथ ट्रेवल कर रहा होगा जैसे भी हम प्रोजेक्टेयर मोशन के अंदर में एग्जेक्ट नहीं बन पाया थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री जो इसके इस तरह से बनेगी तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसको हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे आगे की तरफ में लाने की कोशिश करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं अगर मेरे पास में ये पता लग जाए कि भाई ये जब ये इस पॉइंट पर हिट करेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल पहुंचने में और वर्टिकली इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो इसको इस पॉइंट तक लाने के लिए मतलब जहां तक भी हिट करेगा ये वहां तक लाने के लिए दोनों का टाइम पीरियड तो मेरे पास में सेम रहने वाला है भाई टाइम पीरियड जो मेरे पास मेरे जो हम बात करते हैं तो वो तो मेरे पास में सेम रहने वाली है चाहे मैं उसको वर्टिकली लेके आऊँ क्योंकि बुलेट तो जो फायर होगी वो फायर होकर ऐसे आएगी ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको इधर लाने में कामयाब कर रहा है काम कर रहा है और ये वर्टिकल कंपोनेंट उसको यहां पर लाने का काम कर रहा है तो दोनों ही कंपोनेंट को मेरे पास में सेम टाइम के अंदर में मूव करना पड़ रहा है यानी कि सेम टाइम उसको यूज करना पड़ रहा है वैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में याद करना था ध्यान रखना था कि अगर मेरे को यह पता लग जाए कि ए पॉइंट से यानी कि इंडियन आर्मी से और पाकिस्तान आर्मी के इस एरिया तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लूंगा देखो यहां पर टाइम कितना लगेगा क्योंकि मेरे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कंपोनेंट दिया गया है तो आपको एंगल कितना दिया गया है इसके अंदर में एक मिनट थोड़ा सा तो यहां पर आपको दिया गया है कि ये मेरे पास में फायर हुई है थीटा एंगल पर ये मेरे पास में म्यू एक्स है और ये मेरे पास में म्यू वाई होगी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं और ये जो एंगल दिया गया है दैट इज थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में दी गई है

और कितना मेरे को कोस्टिटा की वैल्यू कितनी आ गई है कोस्टिटा की वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ गई है फोर बाई फाइव आ गई है आप इसको कैलकुलेट करो तो आपके पास में आएगा कितना आ गया एट जीरो यानी कि थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकंड आ गई है तो आप लोगों को ये पता लग गया कि भाई जो हॉरिजॉन्टली ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसकी स्पीड मेरे पास में कितनी आ गई है थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकंड आ गई है अच्छा थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकंड आ गई है तो ये कहां से कहां तक जा रहा है ये इंडियन आर्मी से और ये पाकिस्तान आर्मी के इस, इस टैंक की तरफ में जा रहा है और ये डिस्टेंस मेरे को कितनी दी गई है 1600 मीटर दी गई है तो 1600 मीटर दी गई है तो हमें टाइम पीरियड निकालना इजी हो गया ना इसके अंदर में कि मुझे डिस्टेंस पता है यानी कि 1600 मेरे पास में डिस्टेंस है और स्पीड मेरे को पता है 320 मीटर पर सेकंड है तो यहां से आप टाइम निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू फाइव सेकेंड आ गया यानी कि यहां से और मेरे इस बंदूक को छोड़ने के बाद में इस गोली को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा पांच सेकंड लगेगा अच्छा अब ये तो हॉरिजॉन्टली मेरे पास में चली है वर्टिकली भी तो मेरे पास में चल रहा है ना ये जो बंदूक से निकली हुई गोली है वो वर्टिकली भी तो चल रही है ऊपर की तरफ में भी तो जा रही है तो हम ये निकाल लें कि पाँच सेकंड में वर्टिकली मेरी कितनी चली है ये मैं किसका निकाला है टाइम पीरियड ये मैंने टाइम पीरियड निकाली गोली जब यहां से यहां तक आ रही है यानी कि इस इंडियन आर्मी के टेरिटरीज हैं और पाकिस्तान आर्मी की तरफ में मेरे पास में आ रही है तो मुझे लगा कि यह पांच सेकेंड चली है तो पांच सेकंड में इसने कितना कवर किया सोलह सौ मीटर इसने कवर कर लिया अच्छा जी अब ये वर्टिकली भी तो चल रही होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट मैं निकाल लूं इसका म्यू वाई क्या होगा म्यू साइन थेटा हो गया तो म्यू की वैल्यू मेरे पास में कितनी है फोर है और ये मेरे पास में हो गया थ्री बाई

ये मैं यूज कर सकता हूं तो वाई यहां पर हमारे पास में मुझे निकालना है तो वाई दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई वाई इक्वल टू मेरे पास में इसकी वैल्यूज़ को मैं पुट करूंगा टू फोर्टी टू फोर्टी इंटू में टाइम मेरे पास में कितना लगा फाइव माइनस में हाफ़ इंटू में टेन और टाइम मेरे पास में पाँच और ये पाँच पाँच पच्चीस हो गया तो इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आएगा वन जीरो सेवन फाइव यानी कि जब ये गोली पाँच मिनट के बाद पाँच जो भी हमने टाइम यूज़ किया पाँच सेकंड के अंदर में तो पाँच सेकंड के अंदर में जो यहां से गोली निकली है

तो कितनी हाइट तक मेरा ये अचीव कर सकता है पांच सेकंड के अंदर में पांच सेकंड के अंदर में तो लाइन के अंदर में आएगा देखो दो चीजें समझो कि पांच सेकंड के अंदर में इस बैलून की लाइन में आएगा और वर्टिकली कितनी हाइट ही अटेन कर लेगा वो मेरे पास में आई वन जीरो सेवन फाइव दो चीजें कि वर्टिकली इस लाइन में आने के लिए मुझे पांच सेकंड लगी और पांच सेकंड के अंदर में, में मेरी गोली कितनी ट्रेवल कर लेगी वन जीरो सेवन फाइव यहां पर ट्रेवल कर लेगी ठीक तो वन जीरो सेवन फाइव यहां पर ट्रेवल कर लेगी तो ऑलरेडी मेरा बैलून जो है वो आठ सौ मीटर की हाइट पर आ चुका है कितनी हाइट पर आ जाएगा तो ये मेरा हिट कर जाएगा इसको यानी कि वन जीरो सेवन फाइव की हाइट पर हो जाए तो इस दोनों के बीच का मेरे पास में गैप कितना बचा यहां पर मेरे पास में ये गैप बचता है टू सेवनटी फाइव मीटर का मेरे पास में गैप बन गया अब टू सेवनटी फाइव मीटर का गैप बन गया तो टू सेवनटी फाइव को ट्रेवल करने में ट्रेवल करने में यह पैलून कितना टाइम लेगा क्योंकि इसकी स्पीड मेरे पास में गिवन है स्पीड कितनी गिवन है फाइव गिवन है तो यहां पर आ गया मेरे पास में फिफ्टी सेकेंड 55 सेकंड मेरे पास में इसका रिजल्ट आता है तो 55 सेकंड के अंदर में तो ये कहां पर पहुंचेगा 55 सेकंड के अंदर में तो ये 1075 पर पहुंचेगा कौन बैलून लेकिन इसको जो यहां पर इंडियन आर्मी वाले हैं इनको तो इसको फायर करना पड़ेगा पहले पहले फायर करना पड़ेगा ना तो यहां पर मेरे को इसको टाइम कितना लगेगा इस रेंज में आने के लिए पांच सेकेंड और इस बैलून को यहां तक आने में कितने टाइम लगेगा आठ से एक हजार पर इसको यहां तक आने के लिए लगेगा पचपन सेकंड तो पचपन सेकंड पर बैलून पहुंच गया मैंने फायर ही नहीं किया तो इसको हिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो इसको इतना आइडिया लेना चाहिए कि भाई मैं इसको हिट भी कर दूं और पांच सेकंड में यहां पर पहुंच भी जाऊं तो इसको वेट करना पड़ेगा बैलून जब ये ऊपर चलता 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 जाएगा तो कहीं ये मेरे पास में पचपन सेकंड यानी कि पचास सेकंड के आसपास में पहुंचेगा तो मुझे इसको हिट करना पड़ेगा तो यहां पर आपके पास में आंसर आया कि 55 सेकेंड में तो बैलून हिट हो जाएगा लेकिन उससे पहले भी तो छोड़ना है और उसकी रेंज में डालने के लिए मुझे कितना टाइम और देना पड़ेगा पांच सेकेंड तो टोटल बचा कितना मेरे पास में 50 सेकंड यहां पर टाइम बच गया तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्ट वाइज आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये. कि इससे जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का हुआ या नहीं हुआ लेकिन इससे बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में हमें दो चीजों के बारे में समझना चाहिए इसीलिए कह रहा था कि मैं आप लोगों को कि आप लोगों को अपना जो अभी ये पी हमारी जो सीरीज चल रही है ना बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लेनी चाहिए बहुत बेनिफिशियल होगी आपकी क्वेश्चन की अप्रोच आप लोगों को समझ में आएगी कैसे आप लोग को अटैम्प्ट करना है टाइम बेसिक हमारा इसके अंदर में लगा है लेकिन कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आएगा तो आप इसलिए उसके अंदर में कर लेंगे कि होरिजोनटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट किसी एंगल के ऊपर में Uh, कितना टाइम लगेगा कितना मेरे पास में हाइट अचीव कर लेगा ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्त कि कैसा मतलब आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आइए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ एम इज द राइट रास्ट सॉरी एम इज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल ज मैग्निटूड ऑफ इोमेंटम एंड के इज रिलेटिक एनर्जी बाई हमारे पास में कहीं रिलेटिविटी uh, के बारे में बात करें रिलेटिव थ्योरी से रिलेटेड काम इसके अंदर हमें करना है तो कोई दिक्कत नहीं हमें पता है कि जो हमारे पास में एनर्जी है एनर्जी को लेकर यहां पर हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम सी स्क्वेयर इस पूरे का होल स्क्र प्लस में P जो उसका मोमेंटम मेरे पास में दिया गया है और C यानी कि जो रिलोविस्टिक एनर्जी होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है भाई अब मेरे पास में एक एनर्जी की और इक्वेशन होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर में E दैट कैन बी डिटरनाइज एम सी स्क्वेयर प्लस में के यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ओके अब मैं इस इक्वेशन को जो मेरे पास में आई है इसको मैं स्क्वेयर कर देता हूं जो यहां पर इक्वेशन इसको स्क्वेयर कर दूं तो ई e स्क्वेयर इस पूरे का होल स्क्वेयर यहां पर आ जाएगा तो होल स्क्वेयर आने के बाद में बचेगा एम सी स्क्वेयर का होल स्क्र प्लस में के स्क्र और ये दोनों का आप लोग टू के एम सी स्क्वेयर यह मेरे पास में आ गया अच्छा जी अब यहां पर मैं क्या करता हूं इक्वेशन वन इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन टू इसको मैं मान लेता हूं तो दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं दोनों को इक्वेट कर देता हूं इक्वेट करने के बाद में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मेरे पास में कुल आ जाएंगे यानी कि एम स्क्र सी फोर प्लस में पी स्क्र सी स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू एम एम स्क्वेयर सी फोर प्लस में के स्क्र प्लस में टू के एम सी स्क्वेयर यह आ गया तो यहाँ से ये मेरे पास में कैंसिल आउट हो गई दोनों वैल्यूज यहाँ से कैंसिल आउट हो चुकी हैं और यहां पर क्या बचा मेरे पास में तो यहाँ पर मेरे पास में बचता है आ, मुझे क्या निकालना है मास निकालना है ना ठीक है इसको इधर ले आते हैं पी स्क्र सी स्क्वेयर माइनस में के स्क्र ये बच गया मेरे पास में ट्वाइस ऑफ के एम सी स्क्वेयर यहाँ से हम खाली मास हमें चाहिए तो मास की कैलकुलेशन हम इजीली इसके अंदर से कर सकते हैं बिल्कुल यहां से कर सकते हैं हम मास मेरे पास में मैं लिख सकता हूं पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू के सी स्क्वेयर देखो इसके अंदर ऑप्शन में कहीं पर है ये ऐसा ऑप्शन हमें रिलिविस्टिक मास के बारे में बात करी थी तो पी स्केयर यहां पर नहीं है पीस स्केर बिल्कुल ये इसको मैं यूज कर सकता हूं तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही आना चाहिए ना हाँ नीचे टू इसके अंदर में नीचे टू है ये ऑप्शन भी नहीं है ये क्योंकि यहां पर प्लस आ गया यहाँ पर टू नहीं था तो ये ऑप्शन मेरे पास में गलत हो गया और ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास में जो देखा बिल्कुल फॉर्मुला बेज था अगर फॉर्मुला आप लोग को याद था और ये कंपेरिजन आप लोगों को करना आता था क्योंकि दो इक्वेशन को हमने यूज किया इसके अंदर में एक हमने जो नॉर्मल इक्वेशन थी वो यूज़ की एनर्जी की और एक हमारे पास में जो रिलिस्टिक एनर्जी निकालते हैं उन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने इक्वेट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन है आ, बिल्कुल ये भी रिलेटिव थ्योरी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का पता नहीं रिलेटिव थ्योरी से आप लोग क्यों घबराते हैं रिलेटिव थ्योरी बड़ी बड़ी आसान है यार चलो इसके ऊपर मैं बात करेंगे जब हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं उसके अंदर में जाके आप इसको देख सकते हैं द एक्सेलेशन ऑफ पार्टिकल एस इन फ्रॉम टू फ्रेम एस वन एंड एस टू दो फ्रेम है मेरे पास में दो फ्रेम हमने यूज कर ली एस वन फ्रेम है और ये एस टू फ्रेम है हैव सेम मैग्नीट्यूड मैग्नीटूडोर मीटर पर सेकंड यानी कि इनका जो एक्सेलेशन है उसका जो इन्होंने दिया है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से ये चल रहा है फोर मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर में हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है तो पहले तो इसके अंदर में जहां तक भी मैं देख पा रहा हूं तो हर जगह पे इसको ये वेलोसिटी से जो इसका रिजल्टेंट एक्सेलेशन है उससे रिलेटेड बात कर रहा है तो इसके हम एक चॉइस की तरह में बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि फोर प्लस में फोर यानी कि मीटर एस सेकंड या फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होते हैं तो यहां पर इनकी जो रिलेटिव एक्सलेशन आएगा तो यहां पर कहीं फोर माइनस फोर दैट विल बी इक्वल टू जीरो हो सकता था या फिर किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर में जा रहे होते ये मान लो ये मेरे पास में दो एंगल हैं एक एस इधर जा रहा है और एस टू इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जीरो और आ, मेरे पास में वन एटी के बीच की कोई वैल्यूज इसके अंदर में लेंगे

क्योंकि दो वेक्टर्स हैं दो वेक्टर के बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो जीरो 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 डिग्री एंगल हो उनके बीच में कोई पर्टिकुलर थीटा एंगल पर हो नाइन्टी डिग्री पर हो वन एटी डिग्री पर हो तो अलग अलग मेरे पास में फ्री जो एंगल इसके अंदर में सबटेंड कर सकते हैं तो सभी की मुझे कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इसके ऊपर में कितना मेरे पास में रिजल्ट दिखाएगा तो यहाँ पर मेरे पास में फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आप मान लो कि आपके बीजेटी और जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस क्वेश्चन

बीटा इसके अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और अगर मेरे पास में जो गामा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बीटा इज गामा वन। ये मेरे पास में इसका दो रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर में हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं इन कॉमन कलेक्टर ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर याद रख लेना इसका गेन हम बेसिकली इनको गेन बोलते हैं कॉमन एमिटर का कॉमन बेस का और कॉमन कलेक्टर का तीन तरह के मेरे पास में जो एम्पलीफायर्स वगैरह बनाते हैं तो उनके गेंस को यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर इसके अंदर बोला गया तो कॉमन कलेक्टर वाला यानी कि पैरामीटर मुझे गामा यूज करना पड़ेगा मोड ऑफ ए ट्रांजिस्टर द एमीटर करंट इज सिक्स मिली एमपियर यानी कि जो मेरे पास एमीटर करंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं तीन करंट होते हैं एक एमीटर करंट होता है एक बेस करंट होता है और तीसरा कलेक्टर करंट होता है तो एमीटर करंट को आई ई से बेस करंट को आई बी से और कलेक्टर करंट को आई सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है एमिटर करंट इज़ मिली एंड द बेस करंट इज सिक्स माइक्रो वो माइक्रो एम्पियर इसके अंदर में लिखा गया ठीक है तो सिक्स मिली एम्पियर में इसको रिप्रेजेंट कर दूं और आई बी यहां पर यानी कि बेस करंट दिया गया दैट विल्सटी म्यू ए तो मैं ऐसा यूनिट के अंदर में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ यानी एम्पियर के अंदर में इसको कन्वर्ट कर लें तो टेन की पावर माइनस थ्री हो गया और इसको मैं करो तो इंटू टेन ते तो की पावर माइनस सिक्स माइक्रो के अंदर में सिक्स होता है तो यहाँ पर मेरे पास में सिक्स आ गया ठीक है अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास में किस तरह का एम्पलीफायर यूज किया गया है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूज किया गया है और एक रिलेशन मुझे और भी पता है कि गामा जो है उसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ गामा कैन बी रिटर्न एज आई ई डिवाइडेड बाई आई बी इससे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये बेसिक फॉर्मूला होते हैं अल्फा के लिए भी होता है बेटा के लिए भी होता है तो तीनों जब हम कॉमन कलेक्टर कॉमन जो बेस होता है उनके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी उनके रिलेशन हम इसके अंदर में निकालते हैं चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में आई की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स इंटू की पावर माइनस है और बी की वैल्यू मेरे पास में आई की वैल्यू माइनस आ गया तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आर गामा की वैल्यू मेरे पास में हैंड्रेड आ गई है ठीक है जी अब गामा की वैल्यू आ गई तो इसने क्या पूछा है यहाँ पर तीनों चीजें पूछी हैं यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है बीटा की भी और गामा की भी तो हैंड्रेड यहाँ पर भी है हैड्रेड यहाँ पर भी है और हैंड्रेड यहाँ पर भी है तो मैं इसका एक ही ऑप्शन से मैं इसको देख के नहीं बता पा रहा हूं तो मुझे और भी आगे चीजें कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो आगे की रिलेशंस मुझे पता है इजीली हम इसको कर लेंगे तो इसके अंदर में क्या हमें निकालना पड़ेगा गामा मेरे पास में आ गया बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या होती है गामा -1 होती है तो हंड्रेड माइनस वन टू नाइन आ गया और तीसरा क्या बचा अल्फा बचा अल्फा और इनके बीटा के बीच में रिलेशन क्या है वन प्लस में बीटा होता है तो बीटा मेरे पास में नाइनटी नाइन है और नीचे यहाँ पर कितना आ गया वन प्लस में नाइन्टी नाइन तो यहां से आपका रिजल्ट आया जीरो पॉइंट नाइन नाइन अब देखो जो सिक्वेंस आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर में दी गई थी उसी सिक्वेंस में इनको ढूंढने की कोशिश करो अगर गलत कर दिया तो समझ लो आपका ऑप्शन भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा तो एल्फा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पहले अल्फा पूछा है बेटा अल्फा पूछा है ना तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में ढूंढो जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन यहाँ पर भी है जीरो पॉइंट वन नाइन यहाँ पर ये यह ऑप्शन गलत ये ऑप्शन गलत है ठीक है एलिमिनेशन हो गया बीटा की वैल्यू नाइन नाइन बीटा की वैल्यू मेरे पास में नाइनटी नाइन आ गई यहाँ पर

यानी कि कोई भी हमारे पास में एक सॉलिड स्पेयर है उसकी डेंसिटी मेरे पास में दी गई है जिसका रेडियस मान लो हमने ये मेरे पास में एक स्पेयर है जिसका रेडियस जो दिया गया है वो मान लिया हमने ए है इज गिवन बाय रो यानी इसकी जो डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय रो नॉट ए बाय आर ए मेरे पास में क्या है इसका रो इज द डेंसिटी एट द सर्फेस यानी कि जो सरफेस है उसकी डेंसिटी दी गई है एंड आर इज डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी कि जो मेरे पास में सेंटर है उसे डिस्टेंस दी गई है द ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल फील्डेंस टू ए फ्रॉम इट सेंटर विल भी यानी कि कोई भी एक पॉइंट दिया गया है एक बार दोबारा से इसको देखते हैं क्या दिया गया द डेंसिटी इन साइड ए सोलड स्पेयर ऑफ ए रेडियस ए इसिटी इन साइड ए सोलिड स्पेयर ऑफ रेडियस ए इज गिव बाई दिस वन वेयर रो नॉट इज डेंसिटी एट द सर्फेस एंड आर डी नोट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द स्पेयर एटेंस टू ए फ्रॉम इट्स सेंटर विल बी अच्छा यहां पर यह दिया गया है कि मान लो मेरे पास में ये एक इंटरनली कोई हमने सॉलिड स्पेयर इसके अंदर में माना हुआ है जिसका रेडियस मेरे पास में ए है तो ये पूछ रहा है कि जो इसके सर्फेस के ऊपर में है वो उसकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला जो होता है वो हमें पता है कि जी एम बाई आर स्क्र होता है चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि अंदर कोई हमारे पास में एक स्पेयर मान लिया हमने ये मेरे पास में एक स्पेयर ले लिया हमने ठीक है अब इसके अंदर में जो मेरे पास में रेडियस जो माना हमने वो यहां पर हम आर मान लेते हैं इसका मेरे पास में आर हो गया है और जो बाहर वाला इसका हमने ए मान लिया है। चलो अब इसकी बात करते हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि इस फार्मूले के अंदर में मुझे निकालना है क्या अगर मैं इसके मास को कैलकुलेट कर लूं तो मेरे लिए फॉर्मूला यूज करना बड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि आर मुझे पता है कि कितने पर पूछा है ट्वाइस ओ ए पर पूछा गया है और मास अगर मेरे पास में उस पूरी बॉडी का कैलकुलेट कर लिया जाए तो यहां पर कैलकुलेशन करनी मेरे लिए ईजी हो जाएंगी चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम मान लेते हैं कि कोई भी एक्सपियर है अंदर में यहां पर हमने एक्सपियर मान लिया जिस जिसका मास है डी मैंने मान लिया और डी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और कर सकता हूँ उसका कितना मेरे पास में डेंसिटी दी गई है और कितना उसका वॉल्यूम है ये दो चीज़ों से हम जानते हैं कि मास को हम ऐसे डिफाइन कर सकें यानी कि रो क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है क्योंकि छोटा मास हमने इसके अंदर में कंसिडर किया तो डी रो डी वी पर मैं इसको लिख सकता हूँ ठीक अब क्योंकि जो मेरे पास में स्पीय है उसको मैं पूरे को कैलकुलेट करना है तो कहीं ना कहीं मुझे इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी मेरे पास में उसका पूरा मास निकल के आ सकता है तो अब मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूं डी एम रो को मैं क्या ले सकता हूं जो मेरे पास में इसके अंदर में दिया गया है दैट इज रो नॉट ए बाई आर और यहां पर मेरे पास में जो दिया गया है इसका वॉल्यूम इसके अंदर में वॉल्यूम जो दिया गया है यहां पर मेरे पास में वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वेयर डी वी थोड़ा सा ना क्वेश्चन के अंदर में हमने समझने में वो कर दिया क्योंकि रेडियस इसके अंदर में ए दिया गया है देखो यहाँ पर थोड़ा से भाई कैलकुलेशन को ठीक करते हैं ये मेरे पास में ए दिया गया है हमने अपनी तरफ से कोई भी इंटरनल जो माना है उसका रेडियस हमने आर मानना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कैलकुलेशन के अंदर में हमारी प्रॉब्लम हो गई है इसके जो सिम्बॉल्स थे इसके रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा इसके अंदर में ध्यान देंगे कि बाहर जो रेडियस है उसको ए माना गया है जो सॉलिड स्पेयर है और ये पूछ रहा है कि वहां से टू ए के ऊपर में टू ए की दूरी पर कितना मेरे पास में उसका फील्ड रहेगा ये पूछा गया है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर में ठीक है तो रो नोट ए डॉट डी आर आ गया और इंटरनली जो मेरे पास में स्पेयर बनेगा यानी कि उसका रेडियस अगर मैं मान कि डी आर उसको कंसिडर कर लो जो छोटा सा बॉक्स है जो बाहर मेरे पास में सॉलिड स्पेयर मैंने माना है उसका अगर मैं जो मेरे पास में डी आर में उसको कंसिडर कर लूँ फोर पाई आर स्क्यर उसका एरिया हो गया और डी आर उसके हम माने की जो मेरे पास में विड्थ हो गई है तो इसका पूरे का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा अब वॉल्यूम आ गया मेरे पास में तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में कैपिटल लैम बन जाएगा रो नोट मेरे पास में अंदर आ जाएगा रो नोट ए आर पाई और डी आर हो गया इस पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से जीरो से ए की वैल्यू तक क्योंकि मुझे क्या निकालना है पूरे स्पेर का मास निकालना है ना मैं छोटे से को कंसिडर कर रहा हूँ और वहां से इंटीग्रेट करके मैं कंप्लीट का यहाँ पर मास निकाल पाऊंगा तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकाल लो भाई तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर कौन कौन सी आ गई है रो नोट मेरे पास में कॉन्स्टेंट है और इसके अंदर में मेरे पास में जो ए आएगा वो मेरे पास में कॉन्स्टेंट हो गया आर इसके डिनोमिनेटर में है और फोर पाई मेरे पास में कॉन्स्टेंट आ गया तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रो नोट ए फोर पाई और अंदर क्या रहेगा मेरे पास में आर से आर कैंसिल हो जाएगा ये तो यहाँ पर बचा मेरे पास में ये वॉल्यूम कहाँ तक जा रहा है ए तक जा रहा है दैट विल बी इक्वल टू आर डी आर अंदर में रह गया तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो फोर पाई ए रो नोट में लिख सकता हूँ और इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू रो नोट स्क्र डिवाइड बाई 2 मेरे पास में आ गया यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे कहां से जीरो से ए तक मेरे पास में जा रहा है पुट करेंगे तो यहां पर आपके पास में आएगा ए स्क्र डिवाइडेड बाई टू मेरे पास में आ गया जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में ये पूरा मास है इसका मास कितना आ गया मास विल बी इक्वल टू ये मेरे पास में आ गया टू पाई यहां से टू से टू चला गया टू पाई ए एफ नॉट और ए ये मेरे पास में स्क्र है और A तो ये ये मेरे पास में तो टोटल हो गया तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं रिटर्न so, लिख सकता हूं मास जो ऑब्जेक्ट का आया है क्यूब आ गया मेरे पास में ठीक है अब मुझे क्या निकालना था इंटेंसिटी निकालनी थी कहां पर ए टू ए डिस्टेंस पर निकालनी है तो जी एम मेरे पास में यहां पर मैं बोल दू आर है तो आर यानी कि जो डिस्टेंस मेरे पास में दी गई है यहां पर ये आर इससे मतलब नहीं है जो हमने यहां पर इंटरनली माना था ये आर है जहां पर मुझे डिस्टेंस पर निकालना है तो यहां क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कितनी डिस्टेंस पर है टू ए पर निकालना है तो इसको मैं टू ए से रिप्रेजेंट कर दूंगा और जी की वैल्यू मुझे पता ही है और यहां पर एम की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई टू पाई रो नॉट ए क्यू और नीचे कितना आ गया इसका आर का ये हो गया फोर ए स्क्यर हो गया तो ए स्क्र से एक ये मेरे पास में कैंसिल हो गया तो यहां पर आपके पास में क्या बचेगा तो ये बचा z टू पाई ये टू से टू यहाँ पर मैं काट इसको भी कट कर सकता हूं तो यहाँ पर बचा g पाई एफ नोट और ऊपर बचा a और नीचे बच गया मेरे पास में टू तो यहाँ पर देखो इस अपने ऑप्शन के अंदर में कहीं ये आंसर है मेरे पास में जी पाई रो नोट ए तो यहाँ पर मेरे पास में जी पाई नोट बिल्कुल है यहाँ पर भाई ये मेरे पास में सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पाई जी रो नोट ए डिवाइड बाय टू क्या यही हमारे पास में आ रहा है बिल्कुल यही आ रहा है देखो क्वेश्चन की अप्रोच यही थी कि हमारे पास में पहले हमें एक जो बोल दी गई है उसका हमें मास नहीं पता तो मास नहीं पता होने की वजह से मुझे एक और बॉल उसके अंदर में कंसिडर करनी पड़ेगी जिसका रेडियस मैंने मान लिया आर है और जिसकी विड है मेरे पास में डी आर है तो यहां पर इस पाईआर उसके रिंटू में डी आर उसका वॉल्यूम कर दूंगा क्योंकि मुझे एक बेसिक पता है कि जो भी आ, मास मेरे को निकालना होता है तो रोड डी वी अगर कर दिया जाए क्योंकि रोड डेंसिटी मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर में गिवन थी तो डेंसिटी का यूज करते हुए मैं उसका मास को यहाँ पर फाइंड आउट इजिली कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरे स्पेयर के अंदर में चाहिए तो यानी कि यूनिफॉर्मली उसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्पेयर के अंदर में तो मुझे जीरो उसके सेंटर से लेके और ए डिस्टेंस तक मुझे जाना पड़ेगा तो उसका मास आ गया मेरे पास में अब यही मास तो रेस्पॉन्सिबल होगा यहां पर मेरे पास में कोई पॉइंट है जो कि टू ए दूरी पर है तो ये कौन इसके ऊपर में फील्ड यहां पर भेज रहा होगा ये जो मास है मेरे पास में स्पेयर का वही तो भेज रहा होगा कोई और तो नहीं है ना तो मास मेरे पास में उस बॉडी के लिए क्या रहेगा यहां पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और सेंटर से यहां तक की दूरी जो दी गई है वो टू ए आप लोगों को दी गई है तो ये आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी जो वैल्यूज हैं जो फॉर्मुल उसके अंदर में पुट करके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो वन 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 टू वन मेरे पास में दिया गया है इसके अंदर में बेसिकली आप लोगों का जो आप लोग अपने एग्जाम के अंदर में जो यूनिट छोड़ के चले जाते हैं ना ना उसी यूनिट यूनिट से से पर पर ये क्वेश्चन पूछा गया है है यानी कि डायमेंशन जो आपके का होता है ना, वो यूज़ करना dimensions कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे इक्वेट करते हैं और वहां से हमारे फॉर्मुले को ड्राइव करते हैं वहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के उन्होंने दे दिया चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया तो हमें समझ में आ गया कि भाई मास है फ्लो कर रहा है पर सेकेंड यानी कि नीचे मेरे पास में सेकेंड आ गया और पर यूनिट एरिया यानी कि नीचे ही मेरे पास में एरिया आएगा, एरिया आ गया ठीक है ऑफ क्रोसेक्शन ऑफ द ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू यानी कि ये कहीं प्रोपोर्शनल है मेरे पास में पी एक्स के एंड वी ये जो भी वी है मेरे पास में वॉल्यूम दिया या जो भी दिया इसके अंदर में वी वाई दे दिया प्रोपोर्शन टू पी एक्स एंड वी वाई वेयर पी इज द प्रेशर डिफरेंस एंड वीज द वेलोसिटी भाई ये मेरे पास में प्रेशर दिया गया है और यहाँ पर ये वेलोसिटी दे दी गई तो दो चीज़ें यहाँ पर मिली है मेरे पास में बस इतना से दे दिया गया और पूछा कि रिलेशन बताओ और एक्स और वाई के बीच में तो कोई इशू नहीं है हमारे पास में बड़ा इजी हम इसको कर सकते हैं मास का डायमेंशन यूज करो मास मेरे पास में एम हो गया सेकेंड का डायमेंशन यूज करो तो सेकंड का मेरे पास में क्या होता है टाइम हो गया और एरिया का यूज करो तो एरिया का हमारे पास में क्या होता है एल स्क्र होता है और यहाँ पर मेरे पास में प्रोपोर्शनेट है इनको मैं प्रेशर का मेरे पास में क्या आता है प्रेशर का जो हमारे पास में डायमेंशन होता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू होता है और जो वेलोसिटी होती है इसका क्या होता है एल टी माइनस वन होता है ये हो गया और इसको वाई आ गया इसको हमने एक्स मान लिया बिल्कुल डायमेंशन वाला फॉर्मुला हम इसके अंदर में यूज किए हैं भाई और थोड़ा सा हमें प्रेशर हो रही के डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए बस इतनी सी कहानी थी और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो ये मेरे पास में एम हो गया ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास मेंल टी माइनस टू हो गया और टी माइनस वन हो गया इसके अंदर में एम और इनको सारे को इकट्ठा करो जितने भी आप इसके अंदर में देखोगे तो जब हम कंपेयर करेंगे इसके अंदर में तो एम एक्स हो गया ये एल माइनस एक्स हो गया ये टी माइनस टू एक्स हो गया यहाँ पर एल वाई हो गया टी माइनस वाई हो गया ठीक है अब इसके एम को इकट्ठा करो तो एम एक्स हो गया एल हो गया मेरे पास में माइनस एक्स प्लस वाई और टी हो गया मेरे पास में माइनस टू एक्स माइनस y ठीक है अब इसका कंपैरिजन करो तो m के जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो m का मेरे पास में 1 है और इधर मेरे पास में जो m है उसका x है तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 1 आ गई है अच्छा अब y की तरफ में बढ़ते हैं तो यहाँ पर मेरे पास में l के कंपेयर करो तो ये मेरे पास में -2 equal to -x में y आ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास में वन है इधर लेके आओगे तो वाई की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई माइनस वन आ गई है तो यहाँ से कंपैरिजन किया आप लोगों ने तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि एक्स की वैल्यू मेरे पास में वन है और वाई की वैल्यू मेरे पास में माइनस वन है सो so, रिलेशन एक्स इज इक्ल टू माइनस वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो देखो यहां पर कौन सा मेरे पास में ऐसा कोई ऑप्शन दिखा रहा है बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एक्स इज्कल टू माइनस वाई मेरे पास में शो so कर रहा है सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखो डायमेंशन से कितना छोटा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया और आप लोग इसी को देख के घबरा गए कि कैसे इसको कैलकुलेट करें तो इनको कैलकुलेट करने के लिए जो क्वेश्चन के अंदर में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्मेशन करो किसके प्रोपोर्शनेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग करो और फिर उनके डायमेंशन को लिख लो डायमेंशन लिखने के बाद में सिंपल बचा बचाए कंपेरिजन लो ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई लेक्चर बढ़ा जा रहा है ना बिल्कुल जाएगा क्योंकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल डेप्थ में और थ्योरी के साथ में समझानी है मुझे इसलिए आप लोगों का ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा इसके अंदर में जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ये मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो भाई चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आ, एक सौ बाईस नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर में क्या बोला गया है बिल्कुल सेंटर ऑफ मास और इनर्सियाज को लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है अपने को बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया ये आ, ड्रावना जरूर है लेकिन पढ़ोगे करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा इसके अंदर में ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर ठीक है भाई एक डिस्क है मेरे पास में कुछ इस तरह का डिस्क दिया गया है और उसका जो मास है वो मेरे को एम दे दिया गया है एंड रेडियस आर इसका रेडियस जो दिया गया है वो आर दे दिया गया है हैज एन एडिशनल रिम एक और रिम इसके अंदर में है ऑफ मास एम है जो मेरे पास में डिस्क दी गई है उसके अंदर में एक रिम जो बाहर आपको ये डार्क बना के दिखा रखा है ये इसकी रिम दे रखी है एक डिस्क है मेरे पास में जो आपको ग्रे कलर के अंदर में दिख रही होगी चेक बॉक्स के अंदर में दिख रही होगी और एक बाहर जो बिल्कुल डार्क में दिख रही है ना ये इसकी रिम दी गई है रिम दी गई है यानी कि पूरा मास उसके ऊपर में कंसनट्रेटेड यहां पर दिया गया है फोर्स मेट्रिकल प्लेस्ड मास एम एंड फोर्स मेट्रिकल प्लेस्ड पॉइंट मासिस ईच ऑफ मास एम बाई फोर यानी कि जो चार पॉइंट हैं इनको भी रख दिया गया है इसके अंदर में तो इनको फिक्स कितनी दूरी पर किया गया आर बाई टू के ऊपर में इनको किया गया फिक्स एट ए पोजिशन आर बाई टू यानी कि यहां से आर बाई टू पर एक मास यहाँ से आर बाई टू पर एक मास यहां से आर बाई टू पर और यहां से एक आर बाई टू पर इसके ऊपर में मास रखा गया द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू इट्स सेंटर तो कह रहा है कि जो मेरे पास में जो पूछा गया टोटल मोमेंट पूछा गया तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा गया इसके अंदर में तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया को मैंने बहुत अच्छे से आपके लेक्चर्स के अंदर में समझाया था कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया ही होता है जैसे हम लेनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो जो मोमेंट होता है वो उस बॉडी का उसको उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहेगा तो वहाँ पर हम उसको देते हैं मोमेंटो उसका नाम देते हैं इनर्सिया और इनर्सिया लीनियर मोशन के अंदर में रेस्पॉन्सिबल होता है उसका मास जो कि इसको कैरी आउट करता है लेकिन जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन के अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्सिया का खेल यह होता है कि वो उस बॉडी का रोटेशनल मोशन कैरी आउट रखने में हेल्प करता है तो यहां पर यही पूछा गया है कि यहां पर तीन चीजें मेरे पास में दे दी गई है एक रिम दे दी गई है एक डिस्क दे दी गई है और चार छोटे छोटे मासिस दे गए हैं तो हर पॉइंट हर चीज इसके अंदर में रेस्पॉन्सिबल होता है उसके इनर्जिया को कैरी आउट करने के लिए तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में बस ये छोटी सी चीज समझनी थी अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि हर पॉइंट हर ऑब्जेक्ट हर मास यहां पर रेस्पॉन्सिबल है उसके मोमेंट ऑफ इनर्जिया को मेंटेन करने के लिए या कहें कि उसके रोटेशनल मोशन को कैरी आउट करने के लिए तो यहां पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि टोटल इनर्सिया हमने अच्छे से समझा था इसका कि टोटल इनर्सिया को हम ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल जो इनर्सियां है यानी कि इनर्सिया पहला मेरे पास में डिस्क का आ गया जो इंटरनली यहां पर मैंने आप लोगों को चेकबॉक्स के अंदर में दिखा रखी है ये चेक बॉक्स दिखा रखा है तो आई डिस्क हो गया प्लस में आई रिम हो गया ये जो बाहर वाली रिम है इसके रिम की वजह से भी हो सकता है और ये जो मेरे पास में छोटे छोटे मासीज रखे हैं यानी कि जो मेरे पास में मास रखे हैं इनका भी इनर्शिया होगा तो तीनों अगर मैं कैलकुलेट करके और जोड़ दूँ तो मेरे पास में टोटल इसका क्या आ जाएगा इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा चलो सो इसके अंदर में देखते हैं क्योंकि मेरे पास में डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया मैंने डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मुला इसका याद करवाया था कि डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ डिस्क को कि ये मेरे पास में होता है जितना हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर होता है ठीक है रिम का क्या होता है जब एक होलो रिंग रिम है तो इसका मतलब एक रिंग की तरह काम कर रहे हैं और रिंग का हमारे पास में पता है कि एम आर स्क्र होता है आठ नौ होते हैं हमारे पास में उनके रियाज आप लोगों को करनी चाहिए यानी कि कभी भी मेरे पास में होलो रिंग आ रही है या रिम आ रही है तो आपका एम आर स्क्र होता है कोई डिस्क आती है डिस्क का मतलब होता है कि उसके ऊपर में मास जो है ना कंप्लीटली हर पॉइंट के ऊपर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से उसका इनर्सिया भी हमारे पास में चेंज हो जाता है और वहां पर उसकी वैल्यू हम देते हैं हाफ एम आर स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं अब क्योंकि यहां पर मेरे पास में चार छोटे छोटे मासिस हैं तो चार मासज़ का आएगा कितना मास है उनका एम बाई फोर होता है मास जो हमारे पास में पॉइंट मास हम यूज़ करते हैं तो उनका भी इनर्सिया मेरे पास में कितना होता है एम आर स्क्वेयेर यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ रोटेशन हाँ एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो आर मैं ले रहा हूँ ना भाई ये सेंटर ऑफ रोटेशन है यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है पॉइंट ऑफ रोटेशन से मेरे पास में कितनी दूरी है तो बाहर रिम की भी मेरे पास में आर स्क्वेयेर है और जो मेरे पास में डिस्क है उसका अगर कंप्लीटली मैं बात करूं तो हर पॉइंट पर अलग होगा लेकिन उसका कंबाइंडली जब मैंने पढ़ाई थी आपको रिजिड बॉडी का तो वहां पर उसका कंबाइंडली हम एम आर स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिम का जो बाहर ये लगी हुई है इसका कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ रोटेशन से या फिर कहीं पॉइंट ऑफ रोटेशन से तो आर स्क्वेयर की दूरी पर था तो ये मेरे पास में मास आ गया कितना मास है सबका भाई एम बाई फोर है स्क्यर हो गया और आर यानी कि सॉरी इसके ऊपर में स्केयर नहीं चलेगा आर के ऊपर में जाएगा तो कितनी दूरी पर है ये हमने बताया था कि आर बाई टू की दूरी पर है सो आर बाई

नीचे इसका एल्शियम फोर आ जाएगा और ऊपर मेरे पास में जब इसका एल्शियम लेके आप सोल्व करोगे तो सेवन बाई फोर आ गया सो आंसर विल बी सेवन बाई फोर एम आर स्कर देखो भाई ऑप्शन है हमारा कहीं ढूंढो जल्दी ढूंढो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें सीधा आंसर लगाओ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड से इस क्वेश्चन को उठाया गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्या पूछा गया इसके अंदर में भाई लंबी क्लास हो रही है कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए लंबी दो घंटे के चार घंटे भी कर देंगे भाई नेक्स्ट हम बात करें 123 नंबर क्वेश्चन को लेकर एक सौ के अंदर में थोड़ा सा ना मैं मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई होती है उसका थोड़ा सा मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है कोई भी हमने रिंग दी या कोई भी दिया तो आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि अगर मेरे पास हम मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और हमने इसको मैग्नेट को नॉर्थ साउथ का पोल रखा हुआ है और कोई भी एक कॉयल को हम इसके पास में लेके आते हैं तो उसके अंदर में करंट का इंडक्शन होता है या फिर दूसरा तरीका ये था कि हम इसको जो मेरे पास में कॉयल थी उसको मैं फिक्स करता हूँ और मैग्नेट को आगे पीछे करता हूँ तो भी उसके अंदर में इंडक्शन होता है तो बस इसी से रिलेटेड ये मेरे पास में क्वेश्चन है अगर वो चीज़ आप लोगों को समझ में आती है तो यहाँ पर इसको ईजिली आप कर पाएंगे देखो इसके अंदर में क्या कहा गया मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस ए एंड रेजिस्टेंस आर इज हेल्ड फिक्सड अलॉन्ग स्पेशल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्पेशल यानी कि जो मेरे पास में स्पेशली यानी स्पेस के अंदर में जा रहा है मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई रिंग मैंने रख दी हुई है और ये रिंग क्या मेरे पास में दी गई है जिसका रेडियस यहाँ पर आप लोग को दिया गया है मान लो कहीं से हम इसको कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास में रेडियस ए है और इसका रेजिस्टेंस आप लोग को आर दिया गया है इज हेल्ड फिक्सड अलॉग वि स्पेशल यूनिफॉर्म फील्ड एंड हुज मैग्नीट्यूड इज बी नोट साइन ओमेगा टी देखो जो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड आया ना इसका मेरे पास में आया बी नोट साइन ओमेगा टी यहां पर आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा होगा तो रिंग मेरे पास में फिक्स है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर वेरी कर रहा है तो इसके अंदर में जो रिंग है उसके अंदर में क्या होगा ई एम आई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा ध्यान से समझ बताया मैंने कि यहां पर साइन ओमेगा यानी कि वेरिएबल है अल्टरनेटिंग आ रही है और अल्टरनेटिंग आने का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो करंटली की मेरे पास में वेरी हो रही है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल होने की वजह से ये मेरे पास में जो रिंग रखी है इसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड सॉरी एक इंडक्शन हो जाएगा यानी कि फ्लक्स उसका चेंज हो रहा होगा फ्लक्स चेंज होने का मतलब है कि मेरे पास में उसका करंट भी चेंज हो रहा होगा तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर में करंट की वैल्यू हम देते हैं डी फाइव आई डी टी लेंस लो के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं इसको और डिवाइडेड बाई आर क्योंकि ये मेरे पास में लेंस लो के अकॉर्डिंग मेरे पास में क्या आ गया फ्लक्स के चेंज के कारण में आ गया और डिवाइडेड बाई आर क्योंकि हमें पता है कि ये मेरे पास में क्या जनरेट करेगा वोल्टेज जनरेट करेगा जो ई एम एफ जनरेट करेगा ई एम एफ इंड्यूस करेगा तो ये वी हो गया नीचे मेरे पास में आर हो गया करंट का फॉर्मूला हमें पता है कि वी बाई आर होता है तो इसीलिए इस रिलेशन को मैंने यहाँ पर यूज़ किया डी फाइव बाई डी टी यानी कि इसका मुझे क्या पता लग जाए इसका जो फ्लक्स था जो चेंज हो रहा है वो मुझे पता लग गया इसके अंदर में ठीक है अब डी फाइव को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ तो डी फाइव का मुझे फॉर्मूला पता है कि इस फॉर्मेशन को मैं और भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन बाई आर मैं बाहर निकाल दूँ तो डी फाइव बाई डी टी यानी कि डी डिवाइडेड बाई डी टी मैं इसको यूज कर लूँ और phi का यहाँ पर चेंज क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड Into में कितना उसका सेक्शनल एरिया तो जो रिंग है उसके अंदर में सेक्शनल एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो फ्लक्स निकालने का नॉर्मली वो मेरे पास मेंटिक लाइन से अंदर में आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में समझाया हुआ ये सारी चीजें ठीक है कोई इशू नहीं अगर आप लोग अभी जुड़े हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है जब आप पूरा थियोटिकल पोर्सन इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यारिजिटी फिजिक्स निकालना सबसे आसान पेपर है ठीक है तो बी

नोट साइन ओमेगा टी दिया गया है और जब इसको सोल्व करेंगे इसके डिफरेंशिएशन को यहां पर सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यूज आएंगे क्या जाएगा यहां पर दैट विल बी इक्वल टू ए बी नोट जब ये इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में बी नोट ऑलरेडी एक मेरे पास में कॉन्स्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ओमेगा जो इसके साथ में टाइम के साथ में कॉन्स्टेंट की फॉर्म में है तो ये भी बाहर आ जाएगा नीचे मेरे पास में बच गया डी आर बच गया और अंदर जो यहाँ पर बचेगा दैट विल बीकल टू कोस ओमेगा टी यानी कि जो करंट की वैल्यू आ गई है जो करंट है मेरे पास में उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में ए बी नोट ओमेगा जो उसकी एंगुलर मेरे पास में स्पीड है या एंगुलर जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो मेरे पास में ओमेगा है ये डब्ल्यू नी है ओमेगा है भैया कोस ओमेगा टी सिर्फ इतना हमने किया क्योंकि हमें करंट जनरेट करवाना है क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे पास में पूछे गए ना मैं इतनी अप्रोच क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना कि कई ऑप्शन के दो तीन दो ऑप्शन के अंदर में एक मेरे पास में करंट को लेकर बात कर रहा है फिर यहाँ पर आप जो लीटिंग की बात करेंगे तो भी आपको करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इन सब के लिए हमारे पास में इनकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो करनी पड़ी है करंट को लेकर हमें जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हमने इसके करंट की कैलकुलेशन करी है और कोई रास्ता हमारे पास में बन भी नहीं सकता था मैग्नेटिक फील्ड को लेकर चलो अब इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में पूछी गई है तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द करंट इन द रिंग ओसिलेट विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी टू ओमेगा क्या भाई आप लोग देख पा रहे हैं करंट जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी से ओसिलेट कर रहा है

आई स्क्वेयर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये कहीं ना कहीं आई स्क्यर पर डिपेंड कर रहा है यानी कि करंट के कितने फॉर्म पर डिपेंड कर रहा है उसके स्क्वेयर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है तो करंट के स्क्वेयर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है तो आप लोगों को पता है कि भाई मेरे पास में ये कहीं ना कहीं एरिया के ऊपर में भी डिपेंड कर रहे हैं तो क्योंकि जो यहां पर कहा गया है ना कि उसका जो रेडियस यहां पर दिया गया है जो ए यहां पर यूज किया गया है वो ए क्या यूज किया गया है रेडियस ऑफ द मेटेलिक रिंग यहाँ पर यूज करी गई है तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास में में एरिया के ऊपर वो ए से डिपेंड कर रहा है या किसी और टर्म से डिपेंड कर रहा है तो यहां देखो ए आई स्क्र किसके ऊपर में डिपेंड करेगा वो अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगा दोनों साइड को तो ये ए स्क्र पर डिपेंड करेगा और एरिया की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है पाई आर स्क्र होती है और रेडियस यहाँ पर क्या दिया गया है मेरे को स्क्वेयर दिया गया है A दिया गया है तो इसका पूरा स्क्वेयर करेंगे तो ये मेरे पास में निकल के आएगा ए फोर तो यानी कि मेरे पास में हीट है वो किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है वो ए फोर पर डिपेंड कर रही है ए स्क्वेयर पर डिपेंड नहीं कर रही है यानी कि मेरे पास में सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया अब समझ आए कैसे हमें क्यों मुझे ये आइडिया लगा कि मुझे इसके करंट के ऊपर में कैलकुलेशन करनी चाहिए क्योंकि दो चीजें मैं इसके करंट की यहीं से निकाल पाया नेक्स्ट कह रहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू बी नोट स्क्वेयर चलो इसकी बात कर लेते हैं भाई ये कह रहा है कि जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर में रिंग के ऊपर में तो वो बी नोट स्क्वेयर के बराबर होनी चाहिए चलो इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि जो भी यहाँ पर फोर्स लगती है फोर्स कैन भी रिटर्न एज जो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की हम कहानी समझें तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है आई बी यानी कि आपने देखा होगा जब फोर्स की आ, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई भी हमने रिंग रखी या वायर रखते हैं तो उसका ऊपर में फोर्स लगने वाली होती है आई बी एल होता है या फिर डी एल होता है जो हम छोटे उसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहीं से मैंने फॉर्मूला लिखाना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ उसका हो गया आई बी हो गया ठीक अब आई बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी मेरे पास में तो आई की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली करंट की क्या वैल्यू है ए बी नोट ओमेगा डिवाइडेड बाई आर और ये मेरे पास में कोर्स ओमेगा टी आ गया ठीक अब बी की वैल्यू आप लोगों को पता है क्वेश्चन के अंदर में गिवन थी कितनी बी नोट साइन ओमेगा टी गिवन थी तो यहां पर देखो एक बी नोट मेरे पास में ये आ गया और दूसरा बी नोट मेरे पास में ये या आ गया यानी कि जो मेरे पास में फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है उसकी बी नोट स्क्वेयर के ऊपर में डिपेंड कर रही है तो देखो भैया अपना ऑप्शन जो है वो सही है या नहीं है बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर इसने क्या कहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ डिपेंड ऑन द बी नोट स्क्वेयर यहां पर डिपेंड कर रही है नेट फोर्स ऑन द रिंग इज नॉन जीरो बिल्कुल यहां पर हमारे पास में जो फोर्स जो है नेट फोर्स ऑन द रिंग इज नॉन जीरो नॉन जीरो नहीं है हमारे पास में यहां पर क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है मेरे पास में तो यूनिफॉर्म फील्ड के वजह से यहां पर क्या रहेगी उसके ऊपर में फोर्स जो लगेगी वो यहां पर मेरे पास में जीरो रहने वाली है ठीक है भाई नेट फोर्स की क्योंकि बैलेंस है ना वो कहीं इधर उधर नहीं भाग रही रिंग उसी पोजिशन पर रखिए हाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ उसके ऊपर में लग रही है लेकिन अगर एक फोर्स इस साइड खींच रही है तो दूसरी फोर्स इस साइड भी खींच रही होगी जो उसको क्या कर रही होगी बैलेंस कर रही होगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू फोर तो सौ चौबीस नंबर क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया कि कैपिलिटी ट्यूब है जिसकी लेंथ है जीरो पॉइंट सेवन फाइव यानी कि एच जो मेरे पास में दिया गया है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर दिया गया तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए बिल्कुल सही इसको मीटर के अंदर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्योंकि सारी कैलकुलेशन मुझे किस में करनी चाहिए मीटर के अंदर में यानी कि आ गया मेरे पास में मीटर अब आगे बढ़ो एंड रेडियस वन एम एम यानी कि जो मेरे पास में रेडियस दिया गया वो वन एम एम दिया गया है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास में थाउजेंड आ गया नीचे तो ये मेरे पास में मीटर के अंदर में इसकी कैलकुलेशन होगी है जो इसका रेडियस है नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि कैप्ट वर्टिकल यानी कि इसको हमने वर्टिकली रखा है कैपिलरी ट्यूब को विदोर एंड इन द वॉटर यानी कि नीचे वाला एंड है वो उसको किसमें डाल दिया है वोटर के अंदर में डाल दिया द एंगल थीटा मेड बाय दॉटर सर्फेस दैपले विद मेरे पास में एंगल थीटा के बारे में बात कर रहा है जो थीटा वोटर इसके साथ में बना रहा हुआ यानी कि जो हमने इसको टेढ़ा रखा है कोई भी एंगल के ऊपर में हमने रखा है तो कैपलेरी विद द वॉल इज गिवन द सर्फेस टेंशन ऑफ द वोटर इज यानी कि जो सरफेस टेंशन है इसकी कितनी दी गई है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव दी गई है एंड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज मेरे पास में थीटा जो यहाँ पर दिया गया जीरो डिग्री कॉन्टेक्ट का एंगल जो है मेरे पास में जीरो दिया गया तो आपको निकालना क्या है इसके अंदर में द एंगल थीटा मेड बाई वो निकालना है मेरे पास में कि कितना एंगल यहाँ पर इसका बनाया होगा वोटर सरफेस ने कैपिलरी ट्यूब की वॉल के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन का हमारे पास में पता है कि जो हमारे पास में हाइट का फॉर्मूला होता है यानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर में हाइट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं टू यानी कि टी मेरे पास में टेंशन होती है को थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी आर मेरे पास में रेडियस रो मेरे पास में दे, आ, जो डेंसिटी होती है और जी यहाँ पर ग्रेविटी का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया मेरे पास में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं कोस थीटा मैं लिख सकता हूँ कि टू टी आ, थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज करो इसको मैं लिख सकता हूं एच आर रो जी डिवाइडेड बाई टू टी ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं इसके वैल्यूज को पुट करेंगे एच की वैल्यू मेरे पास में गिवन है 75 जो भी पर दिया गया है आर की वैल्यू मेरे पास में गिवन है वन बाई थाउजेंड रो की वैल्यू मेरे पास में गिवन है रो की वैल्यू वोटर की कितनी होती है भाई टेन की पावर थ्री होती है क्योंकि वोटर के अंदर में रख रहे हैं तो टेन की पावर थ्री आ गया जी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है नहीं दिया गया तो कोई नहीं जी की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे टेन ले लेंगे और टेंशन कितनी दी गई है टेंशन यहाँ पर आप लोग को दी गई जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव नैनो न्यूटन पर मीटर दी गई है तो मैं इसकी वैल्यू टी, टी की वैल्यू कितनी रख दूंगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव यहाँ पर रखेंगे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे और जब आपका कैलकुलेशन आ जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू मैं बता देता हूँ इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को पुट करना यहाँ पर वन बाय आएगा और कोस थीटा वन बाई कब होता है जब थीटा मेरे पास में 60 डिग्री होता है तो यहां पर जब आप ऑप्शन के अंदर में चेक करेंगे तो 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बस वैल्यूज पुट करनी है आराम से इसके अंदर में क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव एन एयर बबल ऑफ द वॉल्यूम वी नोट इज रिलीज फ्रॉम ए डेप्थ एच बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो इसके जो आपके प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर हमारे पास में कांस्टेंट होता है कैसे हमें लॉज़ को यूज़ करना होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम वी नॉट इज रिलीज फ्रॉम ए डेप्थ एच यानी कि कोई भी एच डेप्थ है वहां से इसके अंदर में मेरे पास में बैलो कोई भी बबल है जिसका जो वॉल्यूम है मेरे पास में वी है यहाँ पर यहाँ से, तो से रिलीज हुआ है ये वी वी नोट यहाँ पर दिया गया है तो वी नोट वॉल्यूम से रिलीज हुआ है फ्रॉम डेप्थ एच यानी कि डेप्थ जो है वो एच डेप्थ में है ये मेजर फ्रॉम द वाटर सरफेस यानी कि वाटर सरफेस है वहां से इसको मेजर किया गया तो एच डेप्थ पे है ये इन ए लार्ज वाटर टैंक द वॉल्यूम ऑफ द बबल ग्रोज टू टू वी नोट यानी कि जब ये ऊपर पहुंचता है तो यहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास में हो गया टू वी नोट हो गया ठीक है भाई एज इट जस्ट रीचेज बिलो द सर्फेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द प्रेशर अबाउट द सर्फेस ऑफ द वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट अब देखो ये कह रहा है कि जो हमारे पास में टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ द वाटर यानी कि जो पानी है वो अपना कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है और प्रेशर जो है अबाउट द सर्फेस ऑफ द वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट यानी कि जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा वो भी कॉन्स्टेंट अपने मेंटेन करके रखा हुआ यानी कि आइडियल कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द डेंसिटी ऑफ द वॉटर यानी कि जो वॉटर यहाँ पर दिया गया है उसकी डेंसिटी मेरे पास में दे दी गई है यानी कि इसका रो मेरे पास में दे दिया गया है दट इज इक्वल टू टेन की पावर थ्री दिया गया है एंड जी जी की वैल्यू आप लोग को कंसिडर करनी है टेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है तो हमें पता है कि इसके अंदर में थ्रू आउट हमें क्या कॉन्स्टेंटेंट रखना है पी वी यानी कि प्रेशर और मेरे पास में वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर कॉन्टेंट वाला आप लोग को यूज करके चलना पड़ेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम मेरे पास में कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमारे पास में टेम्परेचर और प्रेशर जो है इसके अंदर में मेनटेन हुए हैं तो इसका कोई भी इसके अंदर में चेंज नहीं आ रहा होगा तो जो वॉल्यूम अगर मेरे पास में प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम मेरे पास में इंक्रीज़ हो जाएगा या वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मेरे पास में प्रेशर को इंक्रीज़ होना पड़ेगा इसके अंदर में तो यही इसी छोटे से पॉइंट हम यहां पर यूज करेंगे और अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि मैं मानू कि मेरे पास में सरफेस के ऊपर में जब नीचे था तो वहां पर उसके ऊपर में कौन-कौन से फोर्स प्रेशर लग रहे थे तो यहां पर एक तो प्रेशर जो मेरे पास में एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ऊपर से जो लग रहा होगा वो हो गया भाई जो ऊपर एटमोस्फेर है वो भी तो इसके ऊपर में प्रेशर लगा रहा होगा प्लस में जो वोटर है ये पूरा जो इसके अंदर में वोटर आप लोगों ने भरा हुआ है ये भी इसके ऊपर में प्रेशर लगा रहा होगा कितना लगा रहा होगा रो जी एच क्योंकि कितनी डेप्थ में है ये एच डेप्थ में है तो एच आ गया रो यानी कि वोटर है उसकी कितनी डेंसिटी है तो ये प्रेशर और कितना वॉल्यूम है उस बबल का वी नोट है अब ये बबल ऊपर उठकर चला गया है तो ऊपर मेरे पास में कौन सा प्रेशर रहेगा खाली एटमोस्फेरिक प्रेशर रहेगा यानी कि पी हो गया तो उसका वॉल्यूम मेरे पास में कितना हो गया ट्वाइस ऑफ वी नोट हो गया बस इसकी कैलकुलेशन कर लो वी नोट से मेरे पास में वी नोट

जो मेरे पास में आएगा प्रेशर डिवाइडेड बाई रो जी दैट विल भी इक्वल टू एच पी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है दैट इज इक्वल टू टेन की पावर फाइव है एटमोस्पेरिक प्रेशर है रो की वैल्यू यहां पर लिख देता हूँ शायद दिख नहीं रहा होगा आपको तो टेन की पावर फाइव आ गया और रो की वैल्यू यहां पर आप लोगों को दी गई टेन की पावर थ्री जी की वैल्यू मेरे पास में कितनी दी गई है टेन दी गई है कैलकुलेट करो इसको तो आपके पास में आएगा टेन मीटर सो डोंट नो यहां पर टेन मीटर है बिल्कुल है यहां पर टेन मीटर इज द सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑफ दिस Easy Easy क्यों बोला मैंने भाई सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है यार ये इसमें भी क्या लोगे आप इजी और आर्ट क्या होता है यार इजी आर्ड कुछ नहीं होता इजी आर्ड सिर्फ आपका मन का भ्रम है अच्छे से पढ़ोगे सब इजी लगेगा नहीं पढ़ोगे सब डिफिकल्ट लगेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्नट साइकिल इज नॉट करेक्ट करेक्ट कौन सी नहीं है तो uh, इसके अंदर में मैक्सिमम एफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज हैंडल परसेंट भाई ऐसा तो कोई बना ही नहीं है कि हंड्रेड परसेंट हमें कोई एफिशियंसी दे दे तो पहले स्टेटमेंट मेरे पास में गलत हो गई है आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि मल्टीपल चॉइस नहीं है ये खाली सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं तो इसके अंदर में मेरे पास में पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्योंकि आगे बढ़ने की मेरे को जरूरत ही नहीं है बाकी आगे देखोगे तो सारे इसके जो भी लॉज हैं इसके अंदर में जितने भी आपने कार्नोट साइजल के अंदर में पढ़े हैं वो सारे इसके आ, आ, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि सारे आगे की वैल्यूज भी मेरे पास में ऑप्शन भी सही रहेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल सेमी डिवाइसेस डिवाइसिस आ गया जो मैंने आप लोग को करवाया हुआ है इसके अंदर में कहा गया कि दो मेरे पास में एक पी है और यहाँ पर एन है तो पी से जो मेरे पास में जा रहा है जंक्शन डिफ्यूजन करंट इन दी एन कहां से फ्लो करता है तो पॉजिटिव से मेरे पास में हमें पता है कि जो हमारे पास में कन्वेंशनल करंट होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है और डायोड के अंदर में कौन सा करंट हमारे पास में इफेक्टिव होता है तो हमारे पास में डिफ्यूजन करंट होता है वो इफेक्टिव होता है तो जो मेरे पास में नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं और पॉजिटिव से जो होल्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो अगर हम बात करें कि जो इफेक्टिव करंट मेरे पास में निकल के आएगा तो जो पी के कारण में जो करंट आ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे यानी कि जो हमारे पास में कन्वेंशनल करंट होगा वही यहाँ पर कौन सा होगा उसका डिफ्यूजन करंट का

और रिवर्स के अंदर में सिर्फ हमारे पास में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा जो हमारे पास में माइनोटी कैरियर्स होते हैं उनके कारण में वहाँ पर करंट मेरा फ्लो करता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन टू एट थोड़ा सा इसके अंदर में हीट को लेकर बात करी गई है हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन के जी ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी कि कोई भी मेरे पास में वाटर लिया गया है जो कि वन के जी हमने उसका ले लिया है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वन के जी ऑफ वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी कि इसका हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर है वैन इट कन्वर्टेड इन टू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एंड हंड्रेड किलो पासकल प्रेशर इज हंड्रेड किलो प्रेशर किलो पासकल प्रेशर इज आगे कहाँ है भाई कहाँ खो गया क्वेश्चन हमारा द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड स्टीम आर वन थाउजेंड किलो ग्राम परमीटर्स क्यूब एंड ये दिया गया द लेट हीट हिट या ब्रैकेट कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म कर दिया भैया आप लोगों ने ठीक है अच्छा अभी कह रहा है कि इट इज कन्वर्टेड इन टू द सेम टेम्परेचर एंड हैंड्रेड किलो पासकल प्रेशर इज क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में एनर्जी पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है भाई अच्छा यहाँ पर पूछ रहा है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ये इसके इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है ठीक है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास में क्वेश्चन हम इसको सोल्व करते हैं हमें पता है कि ये सेम टेम्परेचर के ऊपर में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि बोला है ना कि व्हेन इट कन्वर्ट इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं सेम टेम्परेचर पर हमारे पास में कौन सा कंसेप्ट काम आता है वहां पर लेटेंट हीट का कंसेप्ट हमारे पास में काम आता है तो इसके अंदर में लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करो और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में निकल कर आ जाएगा देखो कैसे इसके अंदर में करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो जब भी आप लोगों को मैंने हीट का चैप्टर पढ़ाया था तो हीट के चैप्टर में बोला गया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट गिव्स किस किस के अंदर में चला जाता है यानी कि कितनी हीट मैंने उसको दी है माइनस प्लस उसका वर्क डन कितना मेरे पास में उसका वर्क डन करना पड़ा है यानी कि टोटल हीट थी वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में और कितना उसके ऊपर में वर्क डन हुआ तो मुझे यहाँ निकालना है उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ बेसिक फॉर्मूला मेरे पास में होता है डेल क्यू यानी कि हीट दैट विल बीकल टू इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज और वर्क डन क्योंकि मुझे निकालना है ये तो ये मेरे पास में वर्क डन है जो वो वो इस तरफ में निकल कर चला जाएगा ठीक है भाई अब देखते हैं इसके अंदर में मेरे पास में लेटेंट हीट के रूप में काम करेगी तो एम एल वी मैं यूज़ करूं क्योंकि मास कितना मेरे पास में था वो लेटेंट हीट के कारण में कितना चेंज हो गया है, तो एल वी लेंगे वकडन मेरे पास में आया है चेंज हुआ है तो इसके अंदर में मुझे क्या वकडन का फॉर्मूला मेरे पास में पता है पी डेल वी यानी कि प्रेशर और उसका कितना मेरे पास में वॉल्यूम के अंदर में चेंज आया तो दोनों की कहानी हम यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम को मैं जो मेरे पास में रो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ मास ओवर वॉल्यूम और वॉल्यूम को यहां पर मैं इसके अंदर में कन्वर्ट कर सकता हूँ मास अपॉन में उसकी डेंसिटी के रूप में मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल क्योंकि डेंसिटी मेरे पास में गिवन है जो हीट की होगी सॉरी वाटर की होगी और जो मेरे पास में आइस की होगी दोनों की डेंसिटी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर जो इसके मास के अंदर वॉल्यूम के अंदर में चेंज आया होगा तो मास इसकी मैं बोल दूँ एम एल वी और इसको इंटरनली मैं लिख सकता हूँ पी प्रेशर मेरे पास में है और जो चेंज आया इसके अंदर में मास पर यूनिट किसका सोलिड का और यहाँ पर मेरे पास में मास पर यूनिट उसका डेंसिटी हमने वाटर की यूज़ कर ली यहाँ से मैंने यूज़ किया ना भाई उसका वॉल्यूम के अंदर में चेंज आया ना कि जितना वॉल्यूम मेरे पास में कन्वर्ट होकर चला गया वही तो यहाँ पर कि जो मेरे पास में सॉलिड बन गया और दोनों का जो मेरे पास में वाटर था उन दोनों का अगर मैं सब्टेक्ट कर दूँ तो मेरे पास में क्या जाएगा उनको वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा कितना मेरे पास में कन्वर्ट होकर वो चली गई है तो यहाँ पर आप लोगों ने रखा मास की इसके अंदर में वैल्यू आप लोगों को दी दे रखी है आ, मास कितना था भाई मेरे पास में वन केजी है तो वन केजी मैं यूज़ कर लूँगा लेट एंडीट आप लोगों को दी गई है कितनी आ, वन इंटू मेट टू पॉइंट टू फाइव लेट एंड हो गई है माइनस में प्रेशर मेरे को कितना गिवन है प्रेशर यहाँ पर आप लोगों को गिवन है वन किलोग्राम मीटर क्यूब आप लोग को दे रखा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास में ये आ जाएगा टेन की पावर आ, ये रहा ये मेरे पास में प्रेशर है कितना हंड्रेड किलो पास्कल दिया गया है तो प्रेशर को इसके अंदर में मैं पास्कल में कन्वर्ट करूंगा तो, तो टोटल आ गया टेन की पावर फाइव आ गया और इंटरनली मास मेरे पास में वन के है तो वन के को मैं बाहर निकाल लूंगा तो वन डिवाइडेड बाई रो सॉलिड मेरे पास में कितना गिवन है यानी कि जो आइस जो स्टीम बनी है उसका मेरे पास में जीरो हो गया माइनस मास मेरे पास में वन है और इसका वाटर का मेरे पास में कितना गिवन था टेन की पावर थ्री यहाँ पर आप लोगों को गिवन है इसके अंदर में कि जो मेरे पास में वाटर का जो होता है वो टेन की पावर थ्री है और इसका जो स्टीम है उसका जीरो है जब इस पूरी काल

तो आपको सेम नंबर के अंदर में यानी कि टेन के पावर सिक्स के अंदर में कन्वर्ट कर लेना अपनी जो भी वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में टू पॉइंट टू फाइव इंटू अरे भाई यहाँ पर भी तो है टेन की पावर सिक्स भी तो है तो टेन की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपके पास में टेन की पावर फाइव आएगी उसमें जीरो पॉइंट वन सेवन इंटू टेन के पावर सिक्स कर लेना यानी कि टेन के पावर सिक्स में कन्वर्ट करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास में टू पॉइंट जीरो एट निकल कर आ जाएगा ठीक है जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिया गया है पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन इन सब चीज़ों के अंदर से बेसिकली uh, हमारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर से एक क्वेश्चन लिया गया है चलो जी सोल्व कर लेते हैं इसको भी ज़्यादा नहीं बस दो क्वेश्चन और करवाएंगे उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे आज की कहानी को अगला तो बिल्कुल सिंपल ही है 130 वाला तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है तो 100 uh, मैं 130 करवा दूं आपको पहले एक के ऊपर में फिर थोड़ा सा हम देख लेंगे तो 130 में क्या कहा गया कि इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ ए एम सिग्नल ए एम सिग्नल का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास में एक सिग्नल है उसको मैंने मॉड्यूलेट किया है और मॉड्यूलेट करने के बाद में कोई भी मेरे पास में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये और इसको हमने मॉड्यूलेट किया तो कुछ इस तरह का मेरे पास में जो बनता है मॉडलेटिंग जो इसका एनवलप बनता है तो हमें पूछा गया कि कितना इसके अंदर में मॉडुलेशन हुआ है मॉडिलेशन बेसिकली मॉडिलेटिंग फैक्टर के बारे में बात कर रहा है उसकी तो कहा है गया कि ए एम वेव जो थी ये मेरे पास में ए है इसको हमने क्या कर दिया एम्पलीट्यूड उसका मॉडलेट कर दिया जो आपके रेडियोज के अंदर में पुराने टाइम के अंदर में सुनते थे उसी की बात कर रही है तो यहाँ पर हमने उसके एम्पलीट्यूड को मॉडिलेट करना है वेव है आर वी मैक्स वी मैक्स दिया गया और वी मिनिमम उसकी वोल्टेजेस दे दी गई यानी कि कोई भी मेरे पास में है उसका ये मेरे पास में वी मैक्स दे दिया गया है और नीचे वाले का वी मिनिमम मेरे पास में वैल्यूज दे दी गई है यानी कि ये वी मैक्स हो गया और ये जो मेरे पास में वैल्यू बनी है वो मेरे पास में वी मिनिमम होगी तो इसका मॉडलेटिंग फैक्टर पूछने की आ, पूछ रहा आप लोगों से तो हमें ये पता है कि वी मैक्स जो होता है ना वी मैक्स जो होता है तो दो तरह के सिग्नल होते हैं एक तो होता है मेरे पास में कैरियर सिग्नल और एक होता है मेरे पास में मॉडलेटिंग सिग्नल तो जो मेरे पास में मैक्स बनेगा तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है यानी कि ए सी प्लस में ए एम जो मॉडलेटिंग सिग्नल है और जो कैरियर सिग्नल है उन दोनों के एम्पलीट्यूड को हम समअप कर देते हो मेरे पास में वी मैक्स बनता है और वी मिनिमम का बनता है जब हम इन दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें वी मैक्स ए सी माइनस में एम कर दें अच्छा जी तो इन दोनों के अंदर में हम देखें तो मेरे पास में जो ये बनता है जो मॉडलेटिंग फैक्टर बनता है तो वो बनता है मेरे पास में ए एम डिवाइडेड बाई ए सी ये निकालता मैं ये मेरे पास में निकल के आएगा तो यहां पर मैं ए एम और ए सी को कैसे निकाल सकता हूं तो यहां पर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ए एम और इसकी तो यहां पर जो मेरे पास में निकल के आएगा अगर मैं इसको ऐड ऑन कर दूं पहले ऐड करके देखू तो यहां पर ट्वाइस ऑफ ए सी मेरे पास में निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू वी मैक्स प्लस में वी मिनिमम और जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यहां पर बचेगा मेरे पास में ट्वाइस ऑफ ए एम दैट विल बी इक्वल टू वी मैक्स माइनस में वी मिनिमम दो आ जाएंगे दोनों का हम क्या करेंगे एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास में आएगा ए एम की वैल्यू मेरे पास में क्या है वी मैक्स माइनस में वी एम तो यहाँ पर आ, हम इसको करेंगे तो वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाई टू आएगा जो कि हम कैंसिल आउट कर देंगे आगे और दूसरा मेरे पास में क्या बनेगा वी मैक्स प्लस में वी मिनिमम तो यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन है मेरे पास में ये मेरे पास में मॉडुलेटिंग फैक्टर का फॉर्मुला होता है इसकी वैल्यूज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो मेरे पास में ए एम है यानी कि जो मॉडुलेटिंग वेव है उसका और जो ए सी है यानी कि जो कैरियर वेव है उन दोनों का हम रेशियो ले, ले लेते हैं तो मेरे पास में मॉडुलेटिंग फैक्टर आ जाता है तो यहाँ पर देखो कौन सा मेरे पास में राइट आंसर होता है भाई वी मैक्स माइनस वी मिनिमम यहाँ पर है मेरे पास में वी मैक्स मेरे पास में है और वी मिनिमम तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है वो तो वहां पर आप लोग को एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप पेपर के अंदर में जा रहे हैं तो भाई कौन सा मेरे को क्वेश्चन पेपर के अंदर में छोड़ना चाहिए और कौन सा मेरे को करना चाहिए तो वो चीज़ वहां पर भी हमें उस क्वेश्चन से समझ में आती है कि एक सिलेक्टिंग यानी कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हमें कैसे करने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है वो फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलो कि कैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो स्टेशनरी कैन मिनट यार है ये मेरे पास में डिके कर रहा है यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में क्या कह रहा है कि जो स्टेशनरी पॉजिशन पॉजिटिव पायोन कैन डिके अकॉर्डिंग टू पाई प्लस में म्यून प्लस में जो मेरे पास में आ, दूसरा न्यूट्रिनो है इनके बीच में चला जाता है ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रिनो की मेरे को बतानी है तो कितनी होगी उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करनी है तो समझे समझते हैं इसको कि मान लो मेरे पास में ये पायोन है पायोन जब डिके हो रहा है तो डिके होकर मेरे को क्या दे रहा है ये म्योन दे रहा है प्लस में न्यूट्रोनो दे रहा है तो न्यूट्रोनो मेरे पास में इसकी काइनेटिक एनर्जी को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें यह है कि जब मेरे पास में पायोन था ये बिल्कुल स्टेशनरी पे था यानी कि इनिशियली रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम जो था वो मेरे पास में कितना था यहाँ पर मेरे पास में जीरो उसका मोमेंटम है ठीक है जी अब एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ इन सब की तो एनर्जी के लिए आपको पता है कि एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर में एनर्जी कैन बी गिवन एज एम पाई सी स्क्वेयर एनर्जी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे पास में पायोन की जो एनर्जी है एम पाई इंटू में सी स्क्वेयर जो हमारे पास में एनर्जी के रिलेशन होते हैं, ई इज टू एम सी स्क्वेयर होती है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मास किसका पायोन का और सी जो स्पीड ऑफ लाइट है और इधर मेरे पास में अगर मैं इनको कंसिडर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में क्या जाएंगे ये म्योन uh, की भी मेरे पास में एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो म्योन <coughs> की एनर्जी क्या होगी और जो मेरे पास में न्यूट्रेन हुआ है इसकी एनर्जी क्या होगी तो इसको हम देखते हैं कि ये मेरे पास में एनर्जी ऑफ म्यू म्योन है और प्लस में एनर्जी ऑफ न्यूट्रन है इन दोनों की हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंडिविजुअली तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा जब मेरे पास में म्यून है तो उसकी एनर्जी को, को कैलकुलेट करने के लिए रिलोविस्टिक पर जाना पड़ेगा मेरे को और रिलिविस्टिक पर जाने के लिए मुझे पता है कि ये मेरे पास में क्या हो जाएगी एम का होल स्क्वेयर मेरे पास में होगा यानी कि एम पाई Uh, मेरे पास में म्यू ले रहा हूं ना तो एम पाई म्यू और इसका स्क्र प्लस में पी सी इसका स्क्वेयर हो गया मेरे पास में जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास में एम जो म्यून है उसका स्क्वेयर सी की पावर फोर और ये बन गया मेरे पास में पी स्क्र सी स्क्वेयर यानी कि मेरे पास में इक्वेशन नंबर टू आ गई है ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर वन है ठीक है जी अब आगे बढ़ें तो मेरे पास में न्यूट्रिनो है उसकी भी एनर्जी मुझे निकालनी पड़ेगी तो न्यूट्रोनो की एनर्जी भी हम रिलोस्टिक के थ्रू निकालेंगे तो मेरे पास में न्यूट्रोनो की एनर्जी कितनी आ गई है न्यूट्रोनो की आ गई है एम न्यूट्रिनो का स्क्वेयर और मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यही मेरे पास में बनेगी स्क्र और ये बनेगा पी सी स्क्येयर ये स्क्वेयर यहाँ मेरे पास में आ गया अच्छा अब दोनों की एनर्जी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ ये मेरे पास में इक्वेशन थ्री आ गई है क्योंकि मुझे क्या करना है इसका म्यू वन प्लस में म्यू आर के बीच में एक रिलेशन निकालना डायरेक्टली मैं ऐड करूंगा तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि इनको कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन करें कि मेरे पास में ईजिल इनकी कैलकुलेशन हम कर पाएँ तो इसके अंदर में मेरे पास में जो वैल्यूज़ होंगी उनका डायरेक्टली हम यूज़ कर लेंगे तो मैं मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर में मैं कुछ दोनों को माइनस कर देता हूँ तो कुछ

ठीक है जी और ये क्या बचेगा मेरे पास में एम यू स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा मेरे पास में ठीक है और इसके अंदर में मेरे पास में जो दूसरी वैल्यू आएगी तो यहां पर मैं इसको ले सकता हूं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो म्यू वन माइनस में आ, म्यू न्यूट्रिनो प्लस में म्यू प्लस में म्यू गामा यानी कि एनर्जी इनकी आ गई और ये मेरे पास में बन गया म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया मेरे पास में इसका म्यू तो यहाँ से मेरे पास में म्यू वन प्लस में म्यू सॉरी एनर्जी ऑफ म्यू प्लस में एनर्जी ऑफ जो मेरे पास में न्यूट्रिनो है इनकी वैल्यूज मुझे पता है कितनी है मेरे पास में अभी हमने निकाली थी कि एम पाई सी स्क्वेयर है मेरे पास में तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा ये जब नीचे जाएगा इसके तो यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा इसके तो यहाँ पर क्या बचेगा एम स्क्वेयर म्यू सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही थी इसकी वैल्यू मेरे पास में थी एम पाई सी स्क्वेयर आ रही थी ये सी फोर है भाई ये मेरे पास में सी फोर है बस इसके अंदर में और कुछ नहीं है अब वैल्यूज का आप अपने पुट करेंगे जो भी मेरे पास में आई है तो इन दोनों को इक्वेशन को आप क्या करेंगे सब्टेक्ट कर देंगे ये मेरे पास में क्या आ गया म्यू जो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू आई है म्यू आई माइनस म्यू आर आ गया यानी कि म्यू आई माइनस में सॉरी एनर्जी ऑफ म्यू माइनस में एनर्जी ऑफ आर बार बार म्यू आर है थोड़ा सा काफी लंबा लेक्चर हो गया इसलिए बार बार वही चीजें रिपीट हो जा रही है <coughs> तो म्यू माइनस में मेरे पास में कौन सी इक्वेशन बन गई है ये मेरे पास में बन गई इक्वेशन नंबर फोर बन गई है तो अब देखो एक मेरे पास में इक्वेशन नंबर फोर आ गई है और इससे ऊपर मेरे पास में एक इक्वेशन नंबर वन आई थी इक्वेशन नंबर वन कौन सी है ये रही इसी ने कहा ना कि थोड़े से सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको अपने एग्जाम के अंदर में तो इन दोनों को मैं क्या करता हूं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इक्वेशन वन को तो यहां पर म्यू एनर्जी ऑफ म्यू प्लस में एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो है मुझे क्या चाहिए न्यूट्रिनो की एनर्जी चाहिए ना तो न्यूट्रोनो की एनर्जी के लिए मुझे इनको सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा तो सबट्रैक्ट करने के बाद में मेरे पास में म्यू एनर्जी ऑफ म्यू है वो तो मेरे पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या मेरे पास में ये बचेगा टू ई न्यूट्रिनो यानी कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो एम पाई सी स्क्र ये पाई इसके नीचे है भाई एम पाई ये मेरे पास में पाई और ये हो गया सी स्क्र हो गया माइनस में जो अभी हमने निकाला था जब हमने उसके समअप किया था जो उसकी वैल्यू आई थी तो वो मेरे पास में थी एम फोर स्क्वेयर सी फोर डिवाइडेड बाई एम पाई ये एम पाई मेरे पास में आ गया सी स्क्वेयर और यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा हाफ नीचे आ जाएगा तो ये मेरे पास में बचेगा हाफ मैं जल्दी जल्दी जल इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सोल्व कर लिया है ना तो ज़्यादा टाइम इसका वेस्ट नहीं करेंगे हम एम पाई सी स्क्वेयर माइनस में एम यू स्क्यर सी का फोर हो गया डिवाइडेड बाई ये मेरे पास में आ गया एम पाई सी स्क्वेयर ये इसकी वैल्यूज को आप पुट करेंगे सारी वैल्यूज इसके अंदर में दे रखी है एम पाई सी एम पाई सी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है कितनी गिवन है भाई ये इसके अंदर में गिवन आपको वन थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स गिवन है तो ये मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी इस पूरे का स्क्र निकालेंगे तो ये हट जाएगा, जाएगा इन वैल्यूज को पुट करेंगे, करेंगे तो आपके पास में जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट विल इक्वल टू ट्वेंटी मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके आंसर में ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप अपने ऑप्शन के अंदर में ढूंढो कि कहाँ पर है ये ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था कंसेप्ट इसके अंदर में सेलेक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा सा ये आपके हायर जो बी एस सी एमएससी लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर में डाल दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हम एक अप्रोच पता है कि कैसे अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो वो हमने यहाँ पर कर दिया है ठीक है जी ये 29.8 आ गया बचे भी इस क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे और आई होप आप लोगों का जो स्टेट का एग्जाम होगा बहुत अच्छे से हो जाए आ, और जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर में मैंने सारी चीज़ें कवर करवाई आपका थ्योटिकल प्लस में जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं तो प्लीज़ आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में बताएं कि एक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में थैंक यू सो मच